this computer. यस तो हम लोग शुरू करते हैं। और क्या बोलते हैं, फर्स्ट ग्रेड के लिए हम लोग ये जो क्लास ले रहे हैं, है ना, इसमें बेसिकली हमने कल क्या किया था ये आप लोगों को मेरे ख्याल से आइडिया है, और उसके कंटिन्यूएशन में हम ये काम करने वाले हैं जो हम काम अभी करने जा रहे हैं। ठीक है, कुछ पेजेस मैंने क्रिएट कर लिए हैं। यस तो एक बार देखते हैं। ओके तो कल जो हम लोगों ने काम किया था वो बेसिकली ये था, बेंजीन से रिलेटेड हम सारा काम कर रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड से रिलेटेड हम लोग सारा का सारा काम कर रहे हैं। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने जो कल काम किया था वो ये था कि एक तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म और इससे रिलेटेड पॉइंट्स, है ना। आज की क्लास आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और निश्चित रूप से आप आज काफी से कुछ सीख के जाओगे। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। यस, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म हमने देखा था कल, है ना, और हमने शॉर्ट में इस तरह इसलिए देखा क्योंकि ये बहुत बेसिक टॉपिक है और मेरे ख्याल से ये आपके कहीं ना कहीं आपके जहन में है। थोड़ा सा रिवीजन यदि ले हो जा होने से ही मतलब ये टॉपिक आपको रिकॉल हो जाएगा, इसलिए कल हम काफी फास्ट चले हैं इसमें। मैकेनिज्म में हमें इलेक्ट्रोफाइल फाइंड करना था, इलेक्ट्रोफाइल कौन है, रिएजेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमने देख लिया कल। ठीक है, और भी इससे रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट एक दो पॉइंट थे वो हमने सारे कवर किए हैं। ओके, अब दूसरी बात हमने जो कवर करने की कोशिश की थी वो ये की थी कि कौन से ग्रुप आपके एक्टिवेटिंग है बेंजीन के लिए और कौन से ग्रुप आपके डीएक्टिवेटिंग है। ठीक है, ये भी हमने थोड़ा सा हमने शॉर्ट में और थोड़ा सा जल्दबाजी में कवर किया था। इसके अलावा ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग कौन है और मेटा डायरेक्टिंग कौन है ना, ये हमने कवर किया है। अब मैं आपके सामने कुछ सवाल रखने वाला हूं, आप उनका जवाब देंगे ऑनेस्टली, क्योंकि आपका जो फीडबैक रहेगा उसके बेसिस पे मैं चलूंगा आगे। राइट, ओके, यस। सबसे पहले तो मुझे ये बता दो, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में आपको बेंजीन से रिलेटेड हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, इनका आपको आइडिया हो गया क्या? यदि किसी में भी कुछ किसी को कुछ बताना है तो मैं वो तुरंत बता सकता हूँ। यस, ओके तो आवाज कहीं से नहीं आई, कोई बात नहीं, अभी हम कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। ओके, एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं, इसका आइडिया है क्या आपको? आपको मैं कोई ग्रुप दूं, आप बता सकते हो क्या कि ये बेंजीन के लिए यस एक्टिवेटिंग है सर, या डीएक्टिवेटिंग है? ठीक है, किसी को भी आइडिया नहीं यस हो सर, तो यस सर, आप, बता दो। हाँ किसी को भी आइडिया नहीं हो तो आप मुझे अभी टोक दीजिए कि सर मुझे तो पता नहीं चलता है देख करके, तो मैं उसको अभी बता दूंगा कि एक्टिवेटिंग कैसे पहचानते हैं, डीएक्टिवेटिंग कैसे पहचानते हैं। मनीष अपनी बात बोलो, है ना, मनीष प्लीज। ओके, तो वो हैंड रेस गलती से हुआ होगा, कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे। एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कौन होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग कौन होते हैं, ये आपको पहचान होनी चाहिए, इसके पीछे की स्टोरी क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब हम सीधे आगे, यहाँ पर इतना होने के बाद में अब ये सीधे बेसिक रिएक्शंस हैं, हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रिडेल क्राफ्ट एसाइलेशन, ये बेसिक रिएक्शंस हैं, ये आपको मोर ओवर आती है, इनके बारे में ज्यादा कुछ हम करेंगे नहीं, कल हमने कर लिया है। इलेक्ट्रोफाइल किसमें कौन सा होता है ये भी हमने कल कवर लिया है, ज्यादा कुछ इसके बारे में डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। मुझे फटाफट आप इलेक्ट्रोफाइल बता देंगे, हेलोजिनेशन में सीएल लेंगे तो इलेक्ट्रोफाइल सीएल प्लस, इसमें नाइट्रोनियम आयन NO2 प्लस, और इसमें आपका SO3, और फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होगा जल्दी से बताएंगे मुझे फटाफट। इलेक्ट्रोफाइल, एल्केल हैलाइड, इलेक्ट्रोफाइल, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल, कार्बोकेटाइन, इलेक्ट्रोफाइल आपका, है ना, सीओ आर सीओ कार्बोकेटाइन, आएगा सर, कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन, हाँ बात तो सही है, आर प्लस आएगा, और ये आपका एसाइलेशन में RCO आएगा, जो अभी बोल रहे थे आजाद, RCO वो आएगा एसाइलाइन, आपका एसाइलेशन में। ठीक है, एसाइल आयन, ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, है ना। हम लोग कंक्लूजन की तरफ जाएंगे आज, ये हम बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मैकेनिज्म से रिलेटेड है बेसिकली, आपके रिएक्टेंट ने सबसे पहले बनाया, जो आपका कार्ब जो इंटरमीडिएट है जिसकी हमने कल बात की थी कि ये नॉन एरोमेटिक है, क्यों है, इसकी भी हमने बात की थी, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है जिसको मैंने अभी अभी गोला किया है आपके सामने। ठीक है, और इस बीच मुझे कर्सर ऑन करने की याद नहीं आई, मैं कर्सर कर लेता हूँ ऑन, और ये लो और ये लो। ओके ठीक है, तो इंक भी कर लेते हैं चेंज, और
इसको कर लेते हैं बड़ा, ये लो, ओके यस। तो अब ये हो गया, ये यहां से यहां तक का ये जो पहला स्टेप है ये आपका होता है, क्या होता है भाई, ये एंडोथर्मिक होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये कई बार आ चुका है देखो, है ना। और इंटरमीडिएट जब प्रोडक्ट में टूटता है और वो स्टेप आपका एक्सोथर्मिक है, ये जो पैटर्न है रिएक्शन एनर्जी का जो प्रोफाइल है इसी से हमें दिख रहा है, ठीक है ना। ये सारी बातें हम कल कर चुके हैं, कोई ज्यादा वो नहीं है। अब हम जो बात करने वाले हैं वो बड़ी खतरनाक है। खतरनाक ये है कि हम लोग डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस की बात करने वाले हैं। डायरेक्टिव, आप इस क्लास को नहीं नहीं भी लिखेंगे, एक बार देख लेंगे तो भी आपको काफी कुछ समझ में आएगा, लिखना आपको वही है जो आपको नहीं पता है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस यानी कि बेंजीन में पहले से कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, वो दूसरे को कहां डायरेक्ट करेगा, उसको शॉर्ट में हम लोगों ने कर लिया था। थोड़ा सा शॉर्ट में और लेकर के हम सीधा प्रॉब्लम के ऊपर आ रहे हैं जहां से हमें नॉलेज गेन करने को मिलेगा। यहां पर जो आपके सामने फिगर है जिसको मैं टिक कर रहा हूं, उस फिगर से हमें ये पता चलता है कि कोई भी ग्रुप आप अटैच कर दो, कोई भी ग्रुप आप अटैच कर दो, ज्यादा फर्क, सबसे ज्यादा असर जो पड़ता है वो ऑर्थो पोजिशन और पैरा पोजिशन पे ही पड़ता है। ऑर्थो पोजीशन और पैरा पोजीशन पे ही पड़ता है आप कोई फंक्शनल ग्रुप बेंजीन रिंग में अटैच करेंगे तो। कैसे पड़ता है देख लो जरा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, कौन से होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जिसके पास बेंजीन से जो डायरेक्ट एटम अटैच है उसके ऊपर कोई लोन पेयर हो, वो आपके इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करते हैं। यहां पर ये सीधा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ठीक है। बेंजीन के साथ कंजुगेशन में आ जाते हैं, आपका OH, OR, NH और NH के जितने भी वेरिएशन है, NHR, NH2, NR2, ठीक है, ये सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं आपके, ठीक है। अब और आपके एल्काइल ग्रुप्स भी आते हैं जो प्लस आई इफेक्ट और जो हाइपर कंजुगेशन है उसकी वजह से डोनेटिंग ग्रुप का काम करते हैं, ओके। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ये ऑर्थो और पैरा पोजिशंस को एक्टिवेट कर देते हैं। ये देखो एक्टिवेटेड, यहाँ पर ऑर्थो और पैरा पोजिशन को एक्टिवेट करते हैं। एक्टिवेट करने से मतलब ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देते हैं, यानी कि इनकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे सर्कुलेट होता है। काफी स्पीड से मैं बोल रहा हूं, आपको कॉन्सेंट्रेशन रखना होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे सर्कुलेट होता है, इस वजह से यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहीं पर जाना पसंद करता है, इसलिए जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं वो एक्टिवेटर होते हैं और वही ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, ठीक है। ये इतनी कहानी समझ में आई, इससे आगे चलें बताना जरा, कोई भी किसी को भी कोई दिक्कत हो, किसी को भी कोई दिक्कत हो शर्माना मत। यदि शर्मा गए ना तो ये मान लो वो मारवाड़ी में वो कहावत है जिसको आई शर्म उसके फूटे गरम, तो निश्चित रूप से वो ही हो जाएगा। इसलिए शर्माना नहीं है, जो सीखने के लिए बिल्कुल वो बनना पड़ता है, क्या एकदम बिल्कुल क्या बोलते हैं, एकदम फ्रैंक बनना पड़ता है कि सर मुझे नहीं आता बोल करके, मुझे नहीं ही आता। बस वो आप एटीट्यूड अपनाओगे तब आप सामने वाले से वो निकलवा पाओगे जो वो नहीं दे रहा है। बात समझ में आई, है ना। सीखने के लिए पीछे पढ़ना पड़ता है ना। हम लोग भी एमएससी करते थे तो सीनियर्स के एकदम पीछे रहते थे कि नोट्स दो 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 बस, ओके। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ओके, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ता है तो भी ऑर्थो और पैरा पे ही फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होता है ऑर्थो और पैरा पर, पॉजिटिव चार्ज सर्कुलेट होने की वजह से ये डीएक्टिवेटेड पोजिशन हो गई है। डीएक्टिवेटेड इसका मतलब अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल यहां नहीं जाएगा, ठीक है। तो वो कहां जाएगा, वो बेचारा जाएगा मेटा पे। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले जो है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो मेटा डायरेक्टिंग है, उनमें जो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल है वो मेटा पे जाता है, ठीक है। इतनी बात हुई क्लियर। अब देख लेते हैं ये कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं वो भी देख लेते हैं। कल हमने देखा था स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग, देख लो भाई नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वाले हैं। सर हाँ बताओ सर, ये प्रोडक्ट जो बनते हैं ना ऑर्थो और पैरा में, तो उसमें परसेंटेज आती है कि भाई वो परसेंटेज काफी सारी चीजों पे बताते हैं ना। हाँ काफी सारी चीजों की होती है वो परसेंटेज का रोल। पैरा का इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि पैरा में स्टेरिक हिंड्रेंस बिल्कुल कम आता है, है ना। पैरा में स्टेरिक हिंड्रेंस कम आता है इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से ज्यादातर केसेस में स्टेरिक हिंड्रेंस वो रीजन है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपने रिएक्शन कराई ये, ठीक है। अब यहाँ पे लगा हुआ है सीएल, अब सीएल का आपने कराया नाइट्रेशन, अब नाइट्रेशन जैसे ही लिखा आपको रिएजेंट पिक्चर आ गई क्लियर और आपको इलेक्ट्रोफाइल पकड़ में आ गया NO2 प्लस है। अब NO2 प्लस को जुड़ना है, कहाँ जुड़ना है भाई, सीएल जहां भेजेगा वहां जुड़ना है। सीएल कहाँ भेजेगा, सीएल बेचारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है,
क्यों है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग? क्योंकि इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में आपका जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पे घूम रहा होता है, ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, और ये है बेचारा इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, तो इलेक्ट्रोफाइल को क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो ये वहीं जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, एकदम पिक्चर क्लियर है, ठीक है। अब Cl से रिलेटेड एक बात और बता देता हूं, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है क्योंकि इसका स्ट्रॉन्ग माइनस आई इफेक्ट है, इसकी ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से इसलिए वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। Cl या हेलोजन, सेलोजन समझ लो यहां पर, हेलोजन अकेले ऐसे ग्रुप हैं जो डीएक्टिवेटिंग है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इसके अलावा सारे के सारे डीएक्टिवेटिंग आपके मेटा डायरेक्टिंग है। बात समझ में आ गई है ना, देखो एकदम क्लियर कट है, एक्टिवेटिंग जो है, जो एक्टिवेटिंग है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, जो डीएक्टिवेटिंग है वो एम डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग है। केवल हेलोजन्स हैं वो इस कॉन्सेप्ट को ओपोज कर रहे हैं, वो कहते हैं ऐसा रटना नहीं है क्योंकि मैं अपवाद हूं, है ना, हेलोजन्स आपके वीकली डीएक्टिवेटिंग है, वीकली डीएक्टिवेटिंग है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। ये लो, बात समझ में आ गई। तो ये एक तरह से जो आप लोग हम लोग कई बार रट लेते हैं ना कि जो भी एक्टिवेटिंग है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटिंग वो मैटर, ऐसा नहीं है, हेलोजन इसको कॉन्सेप्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम डीएक्टिवेटर हैं लेकिन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ठीक है। अब जैसे जैसे सर ये अपने नाइट्रोनियम आयन है ना, अब ये पॉजिटिव है ना, तो आपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, तो सर ये ऑर्थो पोजीशन पे है ना, जैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में अगर अपने देखेंगे तो मेरे ख्याल से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पोजीशन वाली ज्यादा आ रही है और पैरा वाली सर कम आ रही है, तो फिर ये पैरा पे ज्यादा परसेंटेज क्यों है, मतलब ये कंफ्यूजन है सर। ऑर्थो पे आप ये कह रहे हैं कि दो ऑर्थो पे आ रहा है इसलिए, दो ऑर्थो पे आ रहा है एक पैरा पे आ रहा है इसलिए, देखो ये जो ये जो दोनों ऑर्थो पोजीशन है ना, ये एक नहीं है, ये दोनों अलग अलग है ना, इनपे निगेटिव चार्जेस है, NO2 बेचारा अकेला है, ये इसको मैं पहले तो प्रोडक्ट बना देता हूँ, यस, Cl, ये आपका NO2, एक और ले लेते हैं, आपने कहा दो ऑर्थो है, कोई बात नहीं, दो ऑर्थो है, दोनों प्रोडक्ट ले लेते हैं, Cl एक NO2 यहाँ जोड़ देते हैं आपने, और इसका एक रियल प्रोडक्ट हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा Cl और ये NO2, ठीक है। अब कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि पैरा वाला मेजर बनता है, पैरा वाला अक्सर मेजर बनता है ना, आप आंख बंद करके मेजर इसको लिखेंगे ना तो वो सही होगा, ठीक है। अब ये ऑर्थो वाले मेजर क्यों नहीं हुए, इसका आंसर मैंने दे दिया है आपको कि ये स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से है, ठीक है, है ना, इसलिए ये स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाता है, इसलिए ऑर्थो वाले कम बनते हैं, पैरा वाला ज्यादा बनता है। अब आपने बताया कि ऑर्थो पोजीशन दो है, देखो दोनों में आप प्रोडक्ट बना के देखो, प्रोडक्ट आपका एक ही है, इसलिए दोनों ऑर्थो पोजीशन बेसिकली एक ही है, है ना, प्रोडक्ट आपका एक ही बन रहा है, ठीक है, इन दोनों प्रोडक्ट में कोई अंतर नहीं है, वन और टू में कोई अंतर नहीं है, इसलिए यहां पर हम ये नहीं कह सकते कि दो ऑर्थो पे नेगेटिव है तो ऑर्थो पे जाना चाहिए, नहीं, वो है तो अलग अलग ना, है तो वो अलग अलग पोजीशन, ठीक है सर, समझ में आ गया। अब हम जो मैं कह रहा था वो ये था कि ये स्ट्रॉन्गली, देखो आज की क्लास आपको लास्ट तक लेनी है, आपको काफी कुछ क्लियर होने वाला है, ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप है इनको जरा पहचान लो, ये आपको कुछ हद तक रटने पड़ेंगे, नाइट्रोजन वाले तो सारे इसमें आ गए, ऑक्सीजन वाले इसमें दो आ गए, OH देखना जरा, OH थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग है, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग का मैंने रीजन बता दिया था कि ये लोन पेयर बेचारा क्या है, इधर भी घूम रहा है, इधर भी ये इधर कंजुगेशन में आ जाता है कार्बोनिल ग्रुप के साथ में, इसलिए बेंजीन में जाने का इसको टाइम नहीं मिलता और ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग हो गया, है ना, यही रीजन यहां पर आ रहा है, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ये इधर इसके साथ कंजुगेशन में आ गया, OR है ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है, है ना, ये कम डोनेट कर रहे हैं, वीकली एक्टिवेटिंग ये दोनों आ गए बेचारे क्योंकि इनका प्लस आई इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन की वजह से ये क्या बोलते हैं इतना स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते, ये इलेक्ट्रॉन पुश करते हैं, बेसिकली जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो आपका इलेक्ट्रॉन पुशिंग इफेक्ट है, ट्रांसफर नहीं करता, धक्का देता है इलेक्ट्रॉन को, है ना, रेजोनेंस इफेक्ट तो ट्रांसफर ही कर देता है कि ले लो बोल करके, नहीं चाहिए, ठीक है, ओके, इसलिए ये जो प्लस आई इफेक्ट वाले हैं वो वीकली एक्टिवेटिंग है, और वीकली डीएक्टिवेटिंग, ये देखो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की बात कर रहे हैं, ये बेचारे हेलोजन है, वीकली डीएक्टिवेटिंग है, क्यों है मैंने बता दिया आपको, माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है इनके प्लस आई इफेक्ट से, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है किसमें, हेलोजन के केस में, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका हेलोजन है, ये आपका सीएल है, सीएल के लोन पेयर बेंजीन रिंग पे रोटेट करते हैं, ओके, बेंजीन रिंग की तरफ आ जाते हैं और सीएल की इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट है, ओवरऑल माइनस आई इफेक्ट भारी पड़ जाता है, इसलिए बेंजीन पर क्लोरीन की प्रेजेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज होती है, इसलिए है तो क्लोरीन, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी ना, इसलिए क्लोरीन है डीएक्टिवेटिंग, लेकिन
फिर भी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो उसमें आपको ये जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ दिखेगा, आपको दिखेगा ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। हमारे पास है क्या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, कंप्यूटर हमें दिखा सकता है, वी हैव एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। यस, आपके सामने इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ गई है क्लोरीन की, आप देख सकते हैं क्यों ये ऐसा है। मैं एनोटेशन ऑन कर लेता हूँ। यस, ये हो गया है, ये देखो भाई क्लोरीन में, ये देख लो, ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है ऑर्थो पोजीशन पे, ये पैरा पे, ये ऑर्थो पे, ठीक है। तो नेगेटिव चार्ज घूम तो बेसिकली ऑर्थो और पैरा पे रहा है, इसलिए ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन इसका माइनस आई इफेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसलिए वीकली डीएक्टिवेटिंग है, राइट। ओके, वापस यहीं आ जाते हैं, मेटा डायरेक्टिंग को पहचान लेते हैं। ये मैं इतना क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं आपसे बहुत सारे सवाल करने वाला हूं, जरा देख लीजिए, पहचान लीजिए। मॉडरेटली डीएक्टिवेटिंग कौन है, ये आपका सीएन है, ये है सल्फोनिक एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड, एस्टर, एल्डिहाइड, कीटोन, ये मॉडरेटली है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गली नहीं है। स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग कौन से हैं, जो एकदम बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं, कुछ भी नहीं छोड़ते, वो आपके ये देखो नाइट्रोजन वाले दो। हमेशा ध्यान रखना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आए, कोई भी ग्रुप हो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आए, वो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग होता है। आपका नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज हो, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग। ये CF3 CCl3 ये भी स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटिंग है, क्योंकि ये इनका माइनस आई पावर बहुत ज्यादा है, इसलिए ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच लेते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट हमारा ये है, मैं रिपीट कर दूं, कोई भी ग्रुप बेंजीन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि खींच लेता है तो बेंजीन बेचारी उसकी रिएक्टिविटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है, बहुत सिंपल सी बात है, बेंजीन की रिएक्टिविटी कम क्यों हो जाती है, क्योंकि बेंजीन की जो रिएक्टिविटी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए, उसके लिए जिम्मेदार ही उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो फिर कहां से बचेगी बेचारी रिएक्टिविटी, ठीक है। इसलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई तो रिएक्टिविटी कम हो गई, इसीलिए वो ग्रुप जिन्होंने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर दी वो डीएक्टिवेटर हो गए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो एक्टिवेटर हो गए। इतना आपको समझ में आया, आगे चल सकते हैं क्या, बताना जरा। यस सर, आगे चलते हैं। अब आगे चलते हैं, हमारे पास हमें कमांड मिल चुका है आगे जाने के लिए, और हम आगे चल भी रहे हैं, स्क्रीन भी आगे चल रही है। कुछ हमारे पास क्वेश्चंस हैं, आरपीएससी के भी हैं, बिना आरपीएससी के भी हैं, लेकिन ये आपका पूरा चैप्टर, पूरा जो टॉपिक है एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन वाला, बेंजीन के रिएक्शन वाला, वो सारा आपका रिवाइज करा देगा, ये मेरी गारंटी है, है ना। ओके, यस, क्वेश्चन आपके सामने है, नीट 2013 में आया हुआ है, और ये नीट वाले क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूँ, ये आरपीएससी के, आप आरपीएससी के क्वेश्चन देखने के बाद आपको पता चलेगा कि नीट वाले क्वेश्चन मैं क्यों ले रहा हूँ। यस, सम मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट्स इन एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, मेटा डायरेक्टिंग, अच्छा सारे ही मेटा डायरेक्टिंग है, विच वन इज मोस्ट, हाँ विच वन इज मोस्ट बता दो भाई। हाँ, NO2 हमें आंसर मिल गया है, क्योंकि अभी आपने देखो मेटा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटर जो देखे थे ना, उसमें स्ट्रॉन्ग वाले तो मुझे याद है भाई, बाकी सारे मॉडरेटिंग है। स्ट्रॉन्ग वाले कौन से थे, NO2 था, और एक N पे जो प्लस आया हुआ था वो था, एक आपका CF3 था और एक आपका CCl3 था, ये स्ट्रॉन्ग वाले हैं, ये तो मुझे भी रटा गया, देखो अभी अभी मैंने देखे है ना ये। इसके अलावा जो भी मेटा डायरेक्टिंग है, डीएक्टिवेटर है, वो बेचारे मॉडरेटली है। तो मोस्ट कौन सा है, मोस्ट आपका NO2 है। किसी को भी ऑब्जेक्शन है तो मैं रुक जाऊं या आगे चलूं, बता दो। आगे चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी, मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ, आप लोग इतने मतलब एडल्ट हैं और सभी समझदार हैं, किसी को भी दिक्कत होगी तो मुझे जरूर टोकेंगे, जैसे आजाद ने अभी टोका था वैसे जरूर टोकेंगे कि सर मुझे तो ये बताओ, बस आगे नहीं जाने दूंगा। यस, 70, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल नॉट अंडरगो, यस वेरी गुड बताओ। यस, फ्रिडेल क्राफ्ट हमेशा आपको परेशान करेगी, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, हैलोजिनेशन, ये सब सीधे हैं, ये बहुत टेडी रिएक्शन है। नाइट्रोबेंजीन क्यों भाई, इसका रीजन है क्योंकि आपका ज़ाइलिन का स्ट्रक्चर पता है क्या, कोई बता सकता है क्या, ज़ाइलिन, टोलुइन, क्यूमिन, वेरी गुड। देखते हैं ज़ाइलिन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, अभी पिक्चर क्लियर हो जाएगी, ये ऑर्थो पोजीशन पे हमने 2CH3 लगा, अच्छा ज़ाइलिन इन्होंने ऑर्थो पैरा नहीं बताया है, कोई बात नहीं, हमने ऑर्थो ज़ाइलिन बना दिया। टोलुइन तो भाई पूरी दुनिया जानती है, बेंजीन रिंग पे 1CH3 कहीं भी लगा दो। क्यूमिन तो कल आया था हमारे सामने, है ना, क्यूमिन कल हमारे सामने आया था, ये लो भाई, ये देखो ये सारे के सारे एल्काइल बेंजीन है, और एल्काइल ग्रुप
क्या है, वीकली एक्टिवेटिंग है, हमने अभी अभी देखा है, हमने अभी अभी देखा है एल्काइल ग्रुप वीकली वीकली एक्टिवेटिंग है एल्काइल ग्रुप, ठीक है। तो इसका मतलब इन सब में बेंजीन रिंग की एक्टिविटी बढ़ी हुई है, है ना, इन सब में बढ़ी हुई है। नाइट्रोबेंजीन में NO2 ग्रुप है वो डीएक्टिवेटर है, और वो भी कौन सा, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटर, यस। इसका मतलब इसने बेंजीन की रिएक्टिविटी कम कर दी, अब नाइट्रोबेंजीन फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन देने से मना कर देगा, हाथ खड़े कर देगा, मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मेरी एक्टिविटी, मेरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसने खींच ली, NO2 ने। बात समझ में आई। यही पॉइंट हमने कल फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन में भी डिस्कस किया था कि फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन के साथ ये प्रॉब्लम है कि यदि डीएक्टिवेटर ग्रुप कोई आया हुआ है तो बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है और फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन वहां फेल हो जाती है। आगे चलें, नाइट्रोबेंजीन इसका आंसर है। आगे चलें क्या, किसी को नहीं समझ में आया तो मैं रिपीट कर सकता हूं और खुल के बता सकता हूं, बता दो। और आप लोग मुझसे जितने ज्यादा सवाल करोगे उतने ज्यादा ही मुझे आपके बारे में पिक्चर मिलेगी कि मुझे चलना कैसे है, है ना, मुझे करना क्या है और मुझे चलना कैसे है, क्या बताना है क्या छोड़ना है, ये मुझे तभी पता चलेगा जब आप लोग खुल के एकदम सामने आओगे कि सर मुझे ये नहीं आता, राइट। ठीक है, चलते हैं आगे, कहीं से कोई आवाज नहीं आई, ओके। बता दो, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड वन दैट इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन, इलेक्ट्रोफिलिक के लिए कौन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, बता दो भाई, बताओ। नाइट्रोबेंजीन होना चाहिए, यस वेरी गुड, नाइट्रोबेंजीन होना चाहिए, लेकिन ये उत्तर नहीं है। और बताओ भाई, और किसी के पास इसका टोलुइन इसका उत्तर है, टोलुइन इसका उत्तर है, है ना। बाकी लोग हमारे साथ मूवी की तरह वीडियो न देखें, प्लीज प्लीज अपना आंसर शेयर करें, जो आंसर शेयर करेगा वो हमारी क्लास में एक तरह से कंट्रीब्यूट करेगा, ये बहुत अच्छी बात है। ऑनलाइन क्लास, जितना आप पार्टिसिपेशन करोगे उतना आप सीखोगे, जितना आप मूवी की तरह देखोगे, है ना, उतना ही आप इसको भूलने वाले हो, ये केमिस्ट्री है, इवापोरेशन जल्दी होता है इसका, ठीक है, ओके। यस, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि मोस्ट रिएक्टिव कौन सा है इलेक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन के लिए, मोस्ट रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव वो होगा जिसमें बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी हुई है, है ना, यानी कि कम नहीं हुई, आप जानते हैं ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी तो उसका डीएक्टिवेशन हो जाता है, बेंजीन रिंग डीएक्टिवेट हो जाती है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी किसमें है, देखते हैं, अभी देखते हैं। सी डबल ओ एच पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, ये तो डीएक्टिवेटर है भाई, ये तो खींचने वाला है, नहीं नहीं ये तो नहीं होगा आंसर। अगला कौन है, NO2, नाइट्रोबेंजीन, NO2 भी स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटर है, ये भी नहीं चलेगा। अगला कौन सा है, टोलुइन एक है और एक सिंपल बेंजीन है। अब टोलुइन में देखो CH3 है, ये CH3 क्या है, आपका आपका एक्टिवेटर है, वीकली एक्टिवेटर है और इसमें कुछ भी नहीं है, तो वीकली एक्टिवेटर कौन है, CH3 है, इसलिए इसने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया, इसलिए इस केस में बेंजीन रिंग नाइट्रेशन के लिए सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, बताओ जरा। कॉन्सेप्ट मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, कॉन्सेप्ट रिपीट कर रहा हूं, जो भी ग्रुप बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच रहा है वो उसकी रिएक्टिविटी को कम कर रहा है, क्योंकि बेंजीन की रिएक्टिविटी होती ही उस 6 pi इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से है। हमने बात की है बेंजीन रिंग पर 6 pi इलेक्ट्रॉन रोटेट करते रहते, रोटेट तो नहीं करते, कंजुगेशन में होते हैं, ठीक है, पूरी रिंग के ऊपर 6 pi इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है वो छाया हुआ रहता है, ये इलेक्ट्रोफाइल के लिए इजीली अवेलेबल होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल तलाश करता हुआ आता है इलेक्ट्रॉन को, है ना, इसलिए बेंजीन रिंग की तरफ अट्रैक्ट होता है। ये 6 pi इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यदि कम हो जाएगी तो बेंजीन की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, इसलिए सारे डीएक्टिवेटर को डीएक्टिवेटर इसीलिए बोलते हैं क्योंकि वो बेंजीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो उसकी उसका एसेट है, है ना, जो उसकी खजाना है उसको खाली कर देते हैं, तो फिर बेंजीन कैसे रिएक्ट करेगी भाई, मना कर देगी। यस, ये लो आखिर आ ही गया क्वेश्चन, बता दो फटाफट। मोस्ट रिएक्टिव, यस वेरी गुड, बताओ। ऑप्शन ए सर, ऑप्शन ए इज मोस्ट रिएक्टिव, ऑप्शन बी क्यों नहीं, ऑप्शन बी क्यों नहीं, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटर ध्यान है क्या आपको, मैं लिखता हूं ऑप्शन बी स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटर, जो बेचारे अपना लोन पेर बेंजीन रिंग को डोनेट कर देते हैं, है ना,
है ना, वो कौन कौन से हैं, मैं स्ट्रॉन्गली लिख रहा हूँ, देखो स्ट्रॉन्गली आपके OH है, आपके नाइट्रोजन वाला है NH2, एक आपका OP- है वो वाला है, और एक और है स्ट्रॉन्गली, कौन है बताओ जरा फटाफट, किसी को याद हो तो, NHR है, एक आपका NR2 है, ठीक है, और बताओ सर, OR भी तो होता है ना, OR, यस यस, इसका मतलब आपको लिस्ट है वो रटी नहीं गई है, OR इसका साथी है, ये क्या है, ये क्या है, ये मॉडरेटली डीएक्टिवेटर है, जाता है, ये मॉडरेटली एक्टिवेटर है, OR भी आपका मॉडरेटली एक्टिवेटर है, OR सर, और इसमें एल्किल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है ना, नहीं प्लस आई इफेक्ट ऑक्सीजन के क्या काम आएगा, ऑक्सीजन के क्या काम आएगा, प्लस आई इफेक्ट तो बेचारा हम वहां कंसीडर करते हैं, लोन पे डोनेट करने में हेल्प नहीं करेगा, हाँ हाँ मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, प्लस आई इफेक्ट या आई इफेक्ट का कॉन्सेप्ट ही क्या है वो देख लो, कोई भी ग्रुप कार्बन चेन से बंधा हुआ होना चाहिए, हम प्लस आई इफेक्ट की बात बाद में करते हैं, समझ में आया, प्लस आई इफेक्ट आप अप्लाई कहाँ करोगे, जहां कोई भी ग्रुप कार्बन चेन से बंधा हुआ है, कार्बन चेन के यदि इलेक्ट्रॉन वो खींच रहा है अपनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, तो आप कहोगे ये माइनस आई है सर, यदि वो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन पुशिंग कर रहा है तो आप कहोगे ये प्लस आई है, यदि ऑक्सीजन से OR जो R एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, आप यहां प्लस आई बोलेंगे ही नहीं, क्योंकि ये उसके दायरे में ही नहीं आ रहा, बात समझ में आई, हाँ हाँ ठीक है, यस यस यस, तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, देख लो पहचान लो सोच लो समझ लो, यस ये बता दो भाई, ये क्वेश्चन कल आया था, इसका जिक्र हुआ था, इसका क्रेडिट जाता है एक जने को जो हमारे साथ जुड़ा हुआ है, यस फटाफट फास्ट, डी सर, H3O+, यस ध्यान से देख लो समझ लो, ये हमारा नाइट्रेशन का है, ये हमारा क्लोरीनेशन का है, और ये आपको कंफ्यूज कर सकता है क्या, नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनकम्प्लीट ऑक्टेट, हाँ इनकम्प्लीट ऑक्टेट, बोरोन का एल्यूमिनियम का AlCl3 में इनकम्प्लीट ऑक्टेट, दोनों लेविस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, दोनों अच्छे अच्छे इलेक्ट्रोफाइल हैं, समझ लो याद कर लो, इसलिए इसमें क्या है भाई, इसमें आप देखो ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसमें ये इलेक्ट्रोफिलिक नेचर इसका नहीं है, और ये जो प्लस चार्ज, आप कहेंगे सर प्लस चार्ज ये इलेक्ट्रॉन की तलाश है, इलेक्ट्रॉन की तलाश इसको है ही नहीं, ये करेगा क्या इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन का तो ऑक्सीजन में 2s और 2p होता है ना, इसमें दो इलेक्ट्रॉन, इसमें छह इलेक्ट्रॉन, सारे के सारे फिल हो गए, तो अब ये इलेक्ट्रॉन लेगा कहां पे, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की बिल्कुल तलाश नहीं है, ये अपने ऑक्टेट पूरा करके बैठा है, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन आरपीएससी में जोर का झटका देते हैं, वो भी घर आने के बाद पता चलता है झटका लग गया, यस ओके, हाँ भाई ये बता दो, हाँ मोस्ट रिएक्टिव, यस अब आप पकड़ने लग गए, अब आप ट्रैक पे आ गए हैं, तो आप पकड़ने लग गए हैं आंसर्स को, लेकिन ऐसा नहीं हो कि हम यहाँ 2-3 लोग ही क्लास ले रहे हैं, बाकी इसको मूवी की तरह देख रहे हैं, प्लीज शेयर योर आंसर, यदि आप जानते हैं तो भी शेयर करें, नहीं जानते हैं तो भी शेयर करें, ऐसा नहीं सोचें कि सबको पता चल जाएगा मुझे नहीं आता है, ऐसा कुछ कोई बात नहीं है, हम सभी मिलकर के सीख रहे हैं, ठीक है, हमारा कॉन्सेप्ट है मिलकर के सीखना, यस, तो रिएक्टिव टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, मोस्ट रिएक्टिव पूछा इन्होंने, मोस्ट रिएक्टिव तो OH हो जाएगा, अब तो आपको पकड़ में आ गया, यस ओके चलते, अच्छा कोई ये कहे ये सर ये तो सर और भी अच्छा होना चाहिए, ये CH2OH इसका क्या है भाई, इसका क्या है बताओ, क्या मानोगे इसको बताओ, अल्कोहल मानोगे कि इसको क्या मानोगे, क्या है ये बताओ, एल्काइल ग्रुप मानेंगे, हाँ बात तो सही है, ये बेसिकली अल्कोहलिक ग्रुप है, और बेसिकली OH का अब बेंजीन रिंग से देखो कोई सीधा लेना देना रहा ही नहीं कोई, क्योंकि बीच में ये आ गया, इसने इन दोनों का कम्युनिकेशन तोड़ दिया, जो ऑक्सीजन अपने लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बेंजीन रिंग को शेयर कर रहा है वो अब नहीं कर पाएगा, क्योंकि CH2 बीच में आ गया, इसलिए इस OH का कोई एक्टिवेटिंग इफेक्ट नहीं है, यदि आप CH2OH लिखते हैं तो, ठीक है, इसका कोई, इसका उतना ही फर्क पड़ेगा जितना एल्काइल ग्रुप का पड़ता है, राइट ओके, क्योंकि बेंजीन से तो सीधा जुड़ा तो CH2 है ना, ओके यस करेक्ट ऑर्डर फॉर रिएक्ट, यस बता दो, ये भी अच्छा है, एनिलीन बेंजीन नाइट्रोबेंजीन, ए ये सर, ए ऑप्शन, बाकी लोग भाई, बाकी लोग मुझे लगता है सत्यप्रकाश को म्यूट करना पड़ेगा, बाकी लोगों का नंबर नहीं आ पा रहा है, हाँ ठीक है ऐसी कोई बात नहीं है, बताओ भाई बाकी लोग बताओ, पारुल शर्मा बताओ भाई, पारुल यस सर बताओ ऑप्शन, सर ऑप्शन ए, ए आपको पकड़ में आ गया ना,
एनिलीन में NH2 जो नाइट्रोजन है वो अपने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर देता है, बेंजीन रिंग के साथ कंजुगेशन में आ जाता है, एक्टिवेटर है बेंजीन, ये न्यूट्रल सिचुएशन है, नाइट्रोबेंजीन नाइट्रो ग्रुप तो आप जानते ही हैं, है ना, स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटर है। हाँ क्यों, क्योंकि माइनस आई और माइनस एम दोनों होता है इसका, दोनों होता है, एकदम दोनों से खींच लेता है। ऑप्शन नंबर ए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके यस, चलते हैं आगे, क्वेश्चन हमारे पास काफी है। ये भाई ये भी आया हुआ है, जरा बता दो फटाफट इसका, क्या पूछा है इसने, ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी। अच्छा डिक्रीजिंग पूछे इसने, ओके वेरी गुड, बताएंगे, बताओ भाई डिक्रीजिंग बताओ फटाफट, डिक्रीजिंग बताओ। मैं इधर ऑप्शन लिख देता हूं, आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। सी ऑप्शन सर, सेकंड टोलुइन, सी सी। बाकी लोग बताओ भाई, और नहीं आता है तो मुझे रोको, मुझे पूछो, है ना, वरना तो न मैं आपका चेहरा देख पा रहा हूं, न मैं ये देख पा रहा हूं कि आप कितना लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे हैं या देख रहे हैं या सुन रहे हैं या क्या कर रहे हैं। मेरा कोई वॉच नहीं है इस पे, इस ये ऑनलाइन क्लास में मतलब जितनी आप लोग जिम्मेदारी निभाओगे उतना अच्छा हम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे और लर्न कर पाएंगे और मिलकर के कुछ ऐसा सीख पाएंगे कि आप लोगों का भी काम हो जाए, है ना। यस ओके, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड हमें मिल गया है। अब फटाफट इसमें देख, इसने क्या पूछा है, डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी ना, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सबसे कम किसकी है। तो सबसे कम तो भाई ये भी एक्टिवेटर है, ये भी एक्टिवेटर है, यस इसकी सबसे कम है, ये वीकली डीएक्टिवेटिंग है, यानी कि थर्ड जो है वो सबसे कम है। अब थर्ड देख लेते हैं किस किस में है, थर्ड कहाँ है, थर्ड आपका सबसे कम एक तो इसमें है, एक इसमें है, ए और सी में से एक आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं सबसे ज्यादा किसकी है, सबसे ज्यादा के लिए लड़ाई CH3 और OH में है, तो OH तो भाई स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटर है ना, CH3 तो वीकली एक्टिवेटर है, प्लस आई इफेक्ट होता है इसमें तो केवल हाइपर कंजुगेशन की वजह से होता है, इसका तो कंप्लीट ऑक्सीजन का लोन पेयर ये ट्रांसफर कर देता है, तो OH स्ट्रॉन्गली OH किस में आ गया, सी, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर, फिनोल की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है और क्लोरोबेंजीन में रिएक्टिविटी सबसे कम है। अब आप बताएंगे ये, यस जिसको भी नहीं आता है, देखो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीजें मुझे भी नहीं आती हैं, बहुत सारी आपको भी नहीं आती हैं, इसमें मुझ में और आप में अंतर नहीं है, बस मुझ में इतना सा है कि मैं खुल के बोल रहा हूं और आप लोग बात छुपा रहे हैं। यदि नहीं आता है तो मुझे टोकिए, मुझे बताइए, मुझे पूछिए, मैं आपको बताऊंगा। Using anhydrous AlCl3 as catalyst, कोई बात नहीं, ठीक है। Which one of the following reaction produces ethyl benzene? Ethyl benzene किस में बनता है? बताओ, अब बताओ। Friedel-Crafts alkylation। हाँ तो अब हमें तो set, हमें तो set choose करना है ना, set choose करना है। हाँ आजाद की तरफ से, आजाद की तरफ से answer आया है पहला, पहला। ये तो भाई आजाद थोड़ा सा गच्चा खा गए। और बताओ भाई, हमें इथाइल बेंजीन बनाना है, जरा इथाइल बेंजीन का हालचाल देखते हैं, ये क्या है, ये क्या चीज होती है। यस ये बेंजीन हो गया, ये CH2CH3, ये हो गया इथाइल बेंजीन, बात तो सही है। कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये भी देख लेते हैं, फ्रिडेल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या कहती है, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है बेचारी। सर इसमें हैलोजन नहीं दे रखा ना? हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हैलोजन देंगे क्यों भाई, हैलोजन, अच्छा हाँ हैलोजन नहीं दे रखा इसमें, यस 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 हैलोजन नहीं दे रखा इसमें, बताओ बताओ, तब तो इसमें चक्कर है, ये तो क्वेश्चन ही उल्टा सीधा है इसका मतलब। तब तो इसमें चक्कर, OH की जगह CL होना चाहिए था, OH की जगह CL होना चाहिए था, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन मेरे ख्याल से भी तो इलेक्ट्रॉन खींच लेगा ना जैसे कि CL खींचता है। हाँ ऑप्शन ए ही सही है, जहां तक मुझे याद आ रहा है ऑप्शन ए सही है, यस यहाँ पर थोड़ा सा ये, बताया था मैंने। ये यस यस आपका आंसर बिल्कुल सही है, बाकी रिएक्शंस पॉसिबल ही नहीं है सर। हाँ बाकी पॉसिबल नहीं है, कार्बोकैटायन जनरेट नहीं हो रहा ना, देखो कार्बोकैटायन जनरेट नहीं हो रहा, कार्बोकैटायन जनरेट होने की कैपेसिटी सिर्फ यहीं पे है और कहीं नहीं है, ठीक है। तो ये ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, आजाद आप एक कदम आगे हैं हमसे, कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन डी स्वाति कंवर, नहीं भाई डी नहीं है, डी को हम प्रिडिक्ट कर रहे थे, बस यही ऐसे क्वेश्चन जोर का झटका है ना, बोल बिल्कुल धीरे से देते हैं। वैसे बी में कार्बोकैटायन बन तो सकता है, बन सकता है, लेकिन पर उसमें सेकेंडरी बनेगा, वो क्यूमीन बन जाएगा, वो AlCl3 से कार्बोकैटायन नहीं बनने की बात हो रही थी सर। हाँ हाँ नहीं AlCl3 से रिएक्शन करानी है ना हमें, रिएक्शन तो हमें AlCl3 से करानी है, कार्बोकैटायन तो इससे बन जाएगा, लेकिन AlCl3 से रिएक्शन होने के बाद बनना चाहिए,
फ्रिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है ये, ठीक है। तो और दूसरी बात निकल करके सामने आई है वो भी एकदम सही है, इससे बनेगा तो सेकेंडरी बनेगा, तो वो क्यूमीन बनेगा, आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा, वो तो इथाइल बेंजीन नहीं बनेगा। कल ही पढ़ लिया सर आइसोप्रोपाइल, तो वो वाला बेंजीन क्यूमीन वाला तो कल ही पढ़ा था। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, तो इसमें ऑप्शन ए सही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, है ना, ये मुझे याद आ रहा है इस तरह की रिएक्शन होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑप्शन ए को लेकर के चलें। बाकी ऑप्शन में लास्ट वाला ऑप्शन यदि आप ध्यान नहीं देंगे तो आप पिक कर देंगे, जैसे मैं उसको सोच रहा था लेकिन वो नहीं था क्योंकि उसमें हैलोजन नहीं था, बाद में आता है इसमें तो हैलोजन ही नहीं है, तो ये कैसे करेगा, ये बता दो भाई 86, ये आपको सबको आता होगा। CH3+ जिसको नहीं आता है वो मुझे जरूर बताएगा। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ये फ्रिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन है, आप समझ रहे हैं फ्रिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन कितना इंपॉर्टेंट है और आपको कितना परेशान कर सकती है, ठीक है, ये इसमें बिल्कुल सही है, क्योंकि आप CH3Cl+ में AlCl3 की आप रिएक्शन कराएंगे तो आपका इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, ये एक्चुअल में लेविस एसिड है तो ये इसकी बॉन्ड की पोलरिटी कर देगा और इसको Cl को अपनी तरफ खींच लेगा और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा AlCl4- + CH3+, ये है आपका इलेक्ट्रोफाइल, ये अटैक करता है और एल्काइल बेंजीन प्रोडक्ट बनाता है, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन ऐसा नहीं हो जाए कि हम इसे सीख नहीं पा रहे हों, बाकी लोग प्लीज पार्टिसिपेट इन द लर्निंग, और या तो आप बताइए, जैसे अभी आजाद नहीं बोलते तो हो सकता है हम गलत आंसर टिक कर लेते, ठीक है, तो आप जब बोलेंगे तब चीजें सही होंगी, है ना, आप बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ हाँ बताइए प्लीज सर, मेरा सजेशन ये है कि आप जैसे टोटल जितने बच्चे हैं ना, तो सर आप नाम ले ले करके, नाम ले ले करके पॉइंट आउट करके, सर आप कोई नहीं बोल रहे तो आप खुद पूछ ले तो ताकि पार्टिसिपेट बन सके। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आपकी एकदम बात सही है आजाद, हम इसको जरूर अप्लाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अब आपने सजेशन दे दिया, लेकिन बाकी लोग आपको मन ही मन में तो कह रहे होंगे कि मतलब इसने हमारा काम नहीं, सर बिल्कुल नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, हाँ हम शांति से बैठे, इसने हमारा काम खराब कर दिया। सर किसी की बोलने नहीं बोलने से फर्क नहीं पड़ता है सर, मैं कह रहा हूँ पार्टिसिपेंट सबका होना उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मैंने जो एड दिया है जो आप तक सर्कुलेट हुआ है उसमें लाइव क्लास लिखा है, और लाइव क्लास का मतलब यही है आप उनसे बात करेंगे तो ही ये लाइव होगी, अदरवाइज तो आप सिंपली यूट्यूब पे वीडियो देख लेना फिर, है ना, वो और इसमें कोई अंतर नहीं होगा। यस, लेकिन आप जब बोलेंगे पार्टिसिपेट करेंगे तो आप क्लास को रियलाइज करेंगे और आप उस माहौल में आ जाएंगे जिस माहौल में ऑफलाइन क्लास चलती है, ये तभी होगा, अदरवाइज आप, है ना, अदरवाइज तो फिर ये आपके लिए एक सिंपल वीडियो होने वाला है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। यस ओके, इसका बता दो, अभी तो आरपीएससी के क्वेश्चन तो आए नहीं, आपको लगेगा कि हमने ये क्वेश्चन, मैंने ये क्वेश्चन क्यों सेलेक्ट किया, आपको पता लग जाएगा। यस होना चाहिए, स्टेट बी लग रहा है मुझे। अच्छा कोई बात नहीं, बी एक हम टिक कर लेते हैं और ऑप्शन सी, ए भी हम, सी बताया क्या, सी ये दोनों टिक कर लेते हैं। अब देखते हैं ट्रू स्टेटमेंट सी है हमें बेंजीन के लिए, ट्रू स्टेटमेंट सी है बिकॉज अनसेचुरेशन बेंजीन, नहीं नहीं एडिशन रिएक्शन तो देती नहीं है बेचारी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देती है, एडिशन तो कभी कभी गलती से देती है। यस देयर आर टू टाइप ऑफ, सॉरी सर बी नहीं है, टू टाइप के नहीं होते भाई, इसमें रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस में सारे, मैंने वो गलत के लिए कर दिया, हाँ कोई बात नहीं, एक ही बॉन्ड लेंथ के होते हैं, 1.39 है एंगस्ट्रॉम, है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं यहाँ पर आपके नॉलेज में थोड़ा सा एडिशन कर दूं, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है, मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है सब में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 1.39 एंगस्ट्रॉम के आसपास की होती है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर मिलेगा आपको, ऑल एरोमेटिक कंपाउंड्स they have carbon carbon bond length near with the 1.39 angstrom, यदि किसी की 1.40 होगी, किसी की 1.41 होगी, किसी की 1. इससे कम तो चांस नहीं है, ठीक है, इसके बहुत आसपास की है, इसलिए एरोमेटिक कंपाउंड्स का ये भी फीचर है कि बॉन्ड लेंथ इनकी चेंज नहीं होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ एक ही रहती है अप्रोक्सीमेटली 1.39, ये बड़ा सरप्राइजिंग फीचर है, ठीक है ओके। तो ये दो तरह के तो नहीं होते हैं, एक ही तरह के होते हैं, देर इज साइक्लिक डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, यस साइक्लिक डिलोकलाइजेशन है, पूरी रिंग पे हो रहा है पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन, यस ये बात सही है। डी वाला आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए,
मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन गिव्स थ्री, नहीं भाई मोनो सब्स्टिट्यूशन थ्री नहीं देते हैं, मोनो सब्स्टिट्यूशन तो एक ही देगा, क्योंकि आप इस बेंजीन रिंग का मोनो सब्स्टिट्यूशन कराएंगे, इस पे इलेक्ट्रोफाइल आप अटैच करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल कहीं भी जुड़ सकता है, प्रोडक्ट आपका एक ही बनेगा चाहे आप कहीं भी जोड़ दो, तो मोनो सब्स्टिट्यूशन ऑफ बेंजीन, हाँ मोनो सब्स्टिट्यूशन में तो भाई आपको एक ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, तीन नहीं मिलेंगे, ठीक है ओके। तो ये हो गया आंसर आपका सी सही है, सी ट्रू स्टेटमेंट है बेंजीन के लिए। अब ये कुछ फास्ट कर सकते हो, अब तो आप इनको मोस्ट इजीली अटैक बाय इलेक्ट्रोफाइल बता दो, डी डी इस पे इजीली अटैक हो जाएगा, ये क्वेश्चन एक ही है घुमा घुमा के आ रहा है, 84 बता दो, 84 नॉट कॉम्पेटिबल विद एरिन्स, एरिन्स तो आप जान रहे हो ना, एरिन्स किसको बोलते हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जो है हमारे, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन और बेंजीन के ऊपर नीचे वाले जितने भी हैं, नेफ्थलीन हुआ है ना, एंथ्रासीन हुआ, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एरिन्स, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नॉट कॉम्पेटिबल, हाँ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन इनमें नहीं होता है, बात सही है, स्टेबिलिटी इनकी एक्सेप्शनल होती है, एरोमेटिक कंपाउंड का तो इंपॉर्टेंट फीचर होता है कि वो स्टेबल है, इसीलिए बेसिकली उनका स्टडी चालू हुआ कि भाई इनमें ऐसा क्या है जो ये स्टेबल है ना, ओके डीलोकलाइजेशन, फिर पता चला कि इनमें ये होता है, बी होता है इसलिए ये स्टेबल है ना, और सी होता है इसलिए ये स्टेबल है, बात समझ में आई, तो आपका आंसर हो गया सी, ये जो सी है ये नॉट कॉम्पेटिबल विद द एरिन्स, एडिशन रिएक्शन ये बेचारे बड़ी मुश्किल से देते हैं जोर जबरदस्ती करने से, ओके यस वेरी डेंजरस क्वेश्चन, आपको ये कभी भी धोखा दे सकता है, आप कहेंगे सर ये क्वेश्चन तो आएगा नहीं आरपीएससी में, मैं कहता हूं ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बता दो कंसिडर द नाइट्रेशन, नाइट्रेशन की बात कर रहे हैं, मिक्सर हम लेंगे ये, लार्ज अमाउंट ऑफ ये ऐड कर देंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन ये स्लोवर होएगा, क्यों होएगा ये हमें आजाद बताएं, कॉमन आयन इफेक्ट है सर, हाँ ये लग जाएगा ना आप कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है बात बिल्कुल सही है, आजाद जरा हमें बता दो ये स्लोवर क्यों होगा, आपने क्या समझा इससे, ताकि सर ये पोटेशियम आयन सल्फेट है ना, तो ये भी HSO4 दे रहा है और वो भी सेम आयन दे रहे हैं ना, बस इसी वजह से, हाँ बिल्कुल आपका सही है, और यहाँ पर मैं एक इम्पोर्टेंट बात आपको बता दूं, बेसिकली जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं वो आपको कोई ना कोई कॉन्सेप्ट सिखाने के लिए किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आप इस दृष्टि से देखें कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट है ना, उसका आंसर मत रटिए, ये मेरा इंपॉर्टेंट टिप है जो मैं आपको दे रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इन्वॉल्व कॉन्सेप्ट को पहचानिए और उसको याद रखिए, और उसका सॉल्यूशन करने के बाद में एक बार मुड़ के उसकी तरफ जरूर देखिए कि इसमें ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो जिसको सिखाने के लिए ये बनाने वाले ने ये क्वेश्चन बनाया है ना, ये आप करने लग जाएंगे तो आप कॉन्सेप्ट सीखने लग जाएंगे, क्वेश्चंस के आंसर को नहीं रटेंगे, ठीक है, तो वही हम यहाँ कर रहे हैं, हम कॉन्सेप्ट बाई कॉन्सेप्ट चल रहे हैं, यहाँ पर बाकी लोगों को यदि किसी को नहीं पता चल रहा है तो मैं फटाफट 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन करता हूँ, आपका H2SO4 और HNO3 किस तरह से रिएक्शन करके, ये हमारी कल ही बात हुई थी, H2SO4 प्लस HNO3 ये नाइट्रेटिंग मिक्सचर है, इसमें H2SO4 प्रोटोन डोनर का काम करता है एसिड का, और HNO3 प्रोटोन एक्सेप्ट करता है, ठीक है, और ये हमारी कल बात हुई थी, इस तरह से ये आपका बनता है प्रोटोन एक्सेप्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर, जो कि बाद में आपका H2O प्लस NO2 आपका इलेक्ट्रोफाइल है उसमें कन्वर्ट हो जाता है, और इधर बनता है HSO4 माइनस, यहाँ से होती है स्टोरी शुरू, आपने क्या ऐड किया जरा देखना, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट जब आयनाइज होगा, जैसे ही आप ऐड करेंगे ना आयनाइज होगा तो K प्लस और HSO4 माइनस बन जाएगा, अब HSO4 माइनस बनेगा ना, तो यहाँ HSO4 माइनस तो पहले से ही है ना, तो इसका एक्सेस हो जाएगा, तो इक्विलिब्रियम जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होते ही NO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, NO2 की कॉन्सेंट्रेशन कम होते ही रिएक्शन स्लोअर हो जाएगी, मेरे ख्याल से मैंने आपको यहाँ पर अगर अपने NaNO3 ले लेते हैं तो क्या होता है इसमें NaNO3 NaNO3 ले लेंगे तो 3 का तो क्या रोल पड़ेगा, NaNO3 का तो यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, हमारा रिएक्शन का पार्टिसिपेंट होना चाहिए वो, बात को समझे आप, हाँ सर हाँ सर हाँ, अब आप कहेंगे सर NaNO2 ले लो फिर 3 नहीं तो, तो NaNO2 से भी हमारा कुछ नहीं होगा क्योंकि वो NO2 माइनस है, ये भी हमारा पार्टिसिपेंट नहीं है, हमारा पार्टिसिपेंट है NO2 प्लस,
तो आप जो भी ले रहे हैं वो या तो NO प्लस जनरेट करना चाहिए या HSO4 माइनस जनरेट करना चाहिए। बात आपको समझ में आई आजाद? हाँ सर। ओके ओके गुड। तो इस तरह से हमें कॉन्सेप्ट सीखना है, आंसर नहीं रटने हैं। इसका आंसर आप फटाफट बताएंगे। अब तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो गई होगी आपको और अभी आरपीएससी के क्वेश्चंस पे भी आने वाले हैं। यस यस प्लीज। डी ऑप्शन के साथ जाऊंगा। ये बी सही है सर। बी सही है। ये क्या पूछा इन्होंने? अमंग द फॉलोइंग ईज ऑफ द रिएक्शन विद इलेक्ट्रोफाइल, ईज यानी कि आसानी से कौन देगा? सर ऑप्शन डी। आसानी से कौन देगा सर? हाँ आसानी से कौन देगा उसका ऑर्डर बताना है। तो आसानी से फर्स्ट देगा और फिर सेकंड, थर्ड। थर्ड तो भाई सबसे कम रिएक्टिव है ना, ये तो स्ट्रॉन्गली डीएक्टिवेटर है तो ये तो सबसे कम। हाँ तो आंसर आपका यहाँ पर डी सही है। ये जो दिया हुआ है वही ऑर्डर है, ठीक है। यहाँ पर ये एक्टिवेटर है, फिर ये न्यूट्रल सिचुएशन हो गई, ये डीएक्टिवेटर है, इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम है। कैमरा ऑन ना करें प्लीज, मैंने आपको बताया था कैमरा ऑन करना आपकी प्राइवेसी के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए कैमरा ऑन करने की हमें लाइव क्लास में कभी जरूरत नहीं पड़ती है। फिर भी आप ऑन करेंगे तो हो सकता है मुझे ऑफ करना पड़ जाए। देखता हूँ किसी का कैमरा ऑन है। यस स्टॉप वीडियो। ओके आप समझ गए ना कि कैमरा ऑन करना हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है। आप किस तरह से बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, आपके पीछे क्या है, वो सारा दिखता है। इसलिए प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है, माइक्रोफोन पे विश्वास रखिए, आपकी बात मुझ तक जरूर पहुंचेगी, कैमरा ऑन ना करें, ठीक है, जब तक आपको कहा नहीं जाए। यस 63 बता दो, बड़ा ही आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। हाँ ये फोर्थ आएगा। Which of the following can be used as halide component in Friedel-Crafts reaction? Friedel-Crafts reaction में halide component का मतलब आप समझ गए ना? ये जो Friedel-Crafts reaction आप लेते हैं उसमें RX लेते हैं ना आप लोग, तो RX किसको ले सकते हैं? ठीक है, क्लोरोबेंजीन को ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। ब्रोमोबेंजीन को भी नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? मैं आपको इसका रीजन बताऊंगा, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है और कई रीजन है, इसके 4-5 रीजन है, है ना। तो यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से क्लोरीन के साथ जो बॉन्ड है या ब्रोमीन के साथ जो बॉन्ड है उसमें डबल बॉन्ड करेक्टर है, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है वो क्रिएट नहीं हो सकता और इसकी स्टेबिलिटी भी कम है। ये जो आपका इलेक्ट्रोफाइल बन भी गया ना गलती से, ये बन भी गया ना, इसकी स्टेबिलिटी भी कम है, ठीक है। क्लोरो एथीन, अब ये देख लो, फिर क्लोरो एथीन आ गया। अब वो बात वापस यही है, ये भी एल्काइन डबल बॉन्ड है इसमें भी, तो यहाँ पर भी आपका इलेक्ट्रोफाइल, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा कार्बोकटाइन, वो स्टेबल नहीं होगा। वो आपका विनाइल कार्बोकटाइन होता है और विनाइल कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं होता, ये आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो फिनाइल कार्बोकटाइन और विनाइल कार्बोकटाइन स्टेबल नहीं होते हैं, इसलिए आपका ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता, बी भी नहीं हो सकता। इसको देखते हैं जरा, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड कहीं यही तो नहीं है? हाँ यही तो है। यस तो इसका मतलब इससे कार्बोकटाइन बन जाएगा क्या? हाँ बन तो जाएगा। कौन सा बनेगा? सेकेंडरी कार्बोकटाइन, अच्छा खासा स्टेबल है और Friedel-Crafts रिएक्शन हो सकती है, क्यूमीन आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके तो ऑप्शन नंबर डी सही है, है ना। रीजन आपको समझ में आ गया, यहाँ पर Friedel-Crafts में जो इंटरमीडिएट बनता है वो हमारा कौन सा बनता है? कार्बोकटाइन। कार्बोकटाइन जो कंपाउंड स्टेबल कार्बोकटाइन रिलीज कर सकता है वो ही यहाँ पर रिएक्शन में हैलाइड कंपोनेंट हो सकता है। क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, क्लोरोएथीन ये स्टेबल कार्बोकटाइन रिलीज नहीं कर रहे हैं, आइसोप्रोपाइल ये स्टेबल कार्बोकटाइन रिलीज कर रहा है, इसलिए ये Friedel-Crafts रिएक्शन दे सकता है, ठीक है। तो चलते हैं आगे। यस ये है, देखो कमाल की चीज आपके सामने आई है। यस प्लीज आप भी क्या याद करेंगे इस क्वेश्चन के लिए, आप मुझे धन्यवाद जरूर देंगे। आरपीएससी में इस तरह के क्वेश्चन आने लग गए हैं, बच के रहिएगा इस बार के पेपर से। जिस तरह से कॉलेज एजुकेशन का पेपर आया है, कॉलेज व्याख्याता का, इस बार वाला ऑप्शन सी सर। हाँ कॉलेज, मैं आपको एक बता दूं, हिंट दे दूं थोड़ा सा, सी होगा सर इसमें। हाँ जब भी मुझे याद आता रहता है मैं हिंट देता रहता हूँ। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि कॉलेज एजुकेशन में इस बार जो पेपर आए हैं उनको देख करके ये क्लियर अंदाजा हो गया है कि आरपीएससी अपने ट्रैक पर आ गई है, पॉइंट टू पॉइंट पेपर बना रही है और पेपर बहुत अच्छे लेवल के होने लग गए हैं जो कि पिछले सालों तक नहीं थे, है ना। तो इसलिए पेपर का लेवल देखना है, पिछले साल का स्कूल लेक्चर का देखिए, अच्छा पेपर है,
है ना, अच्छा पेपर है, कहाँ से आया है वो तो मैं आपको बताऊंगा बाद में, लेकिन अच्छा पेपर है। और आप ये मान के चलिए आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर जो आज के 5-7 साल पहले 10 साल पहले कॉन्सेप्चुअल नहीं होते थे, फैक्चुअल होते थे कि आपको फैक्ट याद है तो आप कर दोगे, नहीं तो आप आराम से बैठे रहो, लेकिन अब कॉन्सेप्चुअल होने लग गए हैं, आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो आप सोल्व कर सकते हो। ये किसी ने कॉलेज एजुकेशन का एग्जाम दिया है उससे पूछिएगा, या फिर पिछले साल का स्कूल लेक्चर का। इस बार हार्ड था सर। हाँ हार्ड था, यस। तो इसलिए तो कह रहा हूँ कि इस बार के अब सारे पेपर बहुत अच्छे लेवल के होने वाले हैं, क्योंकि इनके जो एक्सपर्ट जो पुराने थे ना वो रिटायर हो गए, अब हम लोग जैसे एक्सपर्ट आ गए हैं तो पेपर भी अच्छे लेवल के बनने लग गए हैं। यस ओके, तो आपने उत्तर बताया इसका सी, ठीक है। यस, अब इसका सी किस बेस पे आया मुझे बताएगा कोई, प्लीज, बाकी लोगों को भी पता चलेगा। यस स्वाति कंवर हमें लगातार आंसर भेज रही है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन स्वाति आप बोलेंगी तो हमें और भी क्या बोलते हैं क्लास को अच्छा लगेगा। और हमें सर प्रोडक्ट बनेगा उसमें एंट्रेंस कम होगा सर? नहीं मुझे ये नहीं, प्रोडक्ट बनेगा उसमें एंट्रेंस कम होगा, नहीं गलत ट्रैक पे चले गए। और कोई बताओ, अभी सी मैंने टिक किया है, जरूरी नहीं है सी उत्तर हो, हम बात करेंगे, कोई बात नहीं, मिलकर कोई पॉइंट नहीं। मैंने भी यही बोला था। आजाद अपने व्यू रखो, पारुल शर्मा, स्वाति कंवर और मानवेंद्रा और पूनम, प्रेम कुमार और क्या बोलते हैं सरवण राम, सरवण राम कहाँ पढ़ा रहे हो आजकल? सरवण राम का ऑडियो कनेक्ट नहीं हुआ है। प्रेम या तो उसको फोन करके एक बार बोल दो कि भाई तुम कैसे बोलोगे, मैं बोलता हूँ कि दोबारा वो जो वाईफाई या वो जो है ना एक निशान आता है उसके ऊपर क्लिक करने से ये होगा, तभी ये मतलब कनेक्ट होगा, अदरवाइज तो वो शायद हमारी बात सुन भी नहीं पा रहा होगा, सिंपली देख रहा है कि क्या हो रहा है। सरवण राम अब तो हो गया, अभी टाइम हो गया, अब बाद में बोलेंगे। यस अब देख लेते हैं फटाफट इसका, मोस्ट स्टेबल क्या बोला इन्होंने, फॉलोइंग कार्बोकैटायन इज एक्सपेक्टेड टू मोस्ट स्टेबल। अच्छा ये सारे कार्बोकैटायन है, इनमें से स्टेबल कौन सा है ये देखना है। सारे कार्बोकैटायन ऑप्शन सी में जो पॉजिटिव चार्ज है वो एक तो NO2 की पैरा पे है सर, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन जो इसमें अपने इलेक्ट्रॉन इसके अंदर डोनेट करके इसके फॉर्म में निकल जाएगा तो वो रेजोनेंस में आ जाएंगे। यस वेरी गुड, बहुत सही आंसर है सी, वेरी गुड वेरी गुड, सी ही सही आंसर है। ये इन्होंने एक एंगल बता दिया इसका कैसे कि ये पैरा पे है, ठीक है, और NO2 की आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पैरा पे पॉजिटिव आएगा, मेटा पे नहीं सर, मेटा पे भी तो हो सकता है ये। नहीं मेटा पे पॉजिटिव चार्ज, NO2 की आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, मेटा पे पॉजिटिव चार्ज आता है क्या? हाँ मेटा पे नहीं आता। हाँ NO2 की मेरा एक कॉन्सेप्ट ये भी था पर मैं बोला नहीं। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप जानते हैं ये अच्छी बात है। NO2 वाले कार्बन पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं आता, ये भी बात एकदम सही है, इसलिए ये तीनों देखो जिसने रटा हुआ है वो भी यहाँ आंसर निकाल सकता है कि ये तो तीनों गलत है, ठीक है। अब प्राइमरीली आंसर कहाँ से आ गया, जो इन्होंने बताया है वो एकदम सही कॉन्सेप्ट है ना, कि यहाँ पर NO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में मेटा पे और खुद उस कार्बन पे जिससे NO2 जुड़ा है उस पे तो पॉजिटिव आता ही नहीं है, तो ये तीनों ही गलत हैं। NO2 की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में ऑर्थो और पैरा पोजिशंस पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना, इन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, आप बना करके देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। तो ये है इसका मतलब। और एक और है NO2 में इन्होंने जो एंगल बताया कि हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और बेंजीन रिंग में कंजुगेशन पूरा हो जाएगा, ये भी एकदम सही है। इसके अलावा एक और है, NO2 मेटा डायरेक्टिंग है कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये मुझे बताओ, बताओ मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्ट। तो इसमें मेटा प्रोडक्ट कौन सा है बताओ, ये भी बता दो, सी में है कि ए में है कि बी में है कि डी में है, किस में है बताओ मेटा प्रोडक्ट? सी में है, सी अकेला ऐसा है जिसमें मेटा प्रोडक्ट बन रहा है, तो सी ही सही उत्तर है, बात को समझो, समझ गए या नहीं समझे बता दो। यस तो ये आंसर देखो, ये आंसर देखो हमने कई कारणों से निकाल दिया, कई तरीके से इसका आंसर निकाल दिया, ठीक है ना। इसे ही कहते हैं कि क्वेश्चन को लर्न नहीं करना है, उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट है उसको पहचानना है, और ये जिस दिन आपने शुरू कर दिया ना है ना, उस दिन एकदम आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे है ना। और हमारे हमें लगातार चेक में आंसर मिल रहा है, ज्योति आचार्य ने आंसर दिया है ए, कोई बात नहीं, आप बोल के बताएंगे तो और ज्यादा अच्छा होगा है ना, उम्मीद करता हूँ कि आप अगली क्लासेस में बोलने लग जाएंगे। बीस। अच्छा ये आपने पढ़ लिया,
ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, मैं इसको स्पेशली एम्फासाइज कर रहा हूँ, नीट का आया क्वेश्चन है। अब ये नाइट्रेशन पे बेस्ड है, HNO3 और H2SO4 में आपने देखा ना, अभी मैंने आपको बताया था कि HNO3 और H2SO4 में से कौन सा एसिड की तरह काम करता है, कौन सा बेस की तरह काम करता है। वो रिएक्शन काफी ऊपर चली गई इसलिए हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं है ना, इतनी देर में तो हम वहीं वहां भी लिख सकता था मैं, अब गलती हो गई तो हो गई, कोई बात नहीं, वहीं चलते हैं, इतना टाइम भी नहीं है। आज आप क्लास छोड़िएगा मत प्लीज, हम इस टॉपिक को कंक्लूड करेंगे, ठीक है। यस, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं आपको, यहां पर सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूं कि H2SO4 एसिड का काम करता है और प्रोटोन एक्सेप्ट करता है HNO3। ये आप इसकी रिएक्शन जो हमने लिखी थी उसको देखेंगे तो भी पता लग जाएगा, ठीक है। तो ये बेस का काम करता है और ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ये यहाँ पर नीट में आया हुआ है, बहुत पुराना भी नहीं है, 2009 है। तो मिक्सचर नाइट्रिक एसिड बेस का काम करता है, नाइट्रिक एसिड बेस का काम करता है, हो गया। ये क्वेश्चन RPSC में दो बार आ चुका है, सेम क्वेश्चन दो बार RPSC में, और मेरे ख्याल से दोनों बार स्कूल लेक्चर में आया है, दोनों बार 15 और 18 की वैकेंसी में दोनों बार आया है सेम क्वेश्चन, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये बता दो जरा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसको कंप्लीट करके ही हम आज मतलब क्या बोलते हैं क्लोज करेंगे, हम एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपिक आज कवर करेंगे, प्लीज क्लास छोड़िएगा मत। यस बताइए, द प्रोडक्ट आर फॉर्म्ड व्हेन फॉलोइंग कंपाउंड इज ट्रीटेड विद, ये अच्छा प्रोडक्ट बनाना है इसका किसके साथ, Br2 और FeBr3 के साथ बनाना है क्या? यस yes, बना दो भाई, अब बना दो। सी इसका सही आंसर है, सी इसका सही आंसर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी को यदि दिक्कत है, किसी को ये प्रॉब्लम है कि सर मुझे तो बताओ, तो मैं बता देता हूं। ए ऑप्शन में देखो, इन्होंने यहाँ पर, अब आप ये कहोगे कि सर ये जो ऑर्थो पोजीशन है, मेरे कर्सर को देखो जरा, ये जो ऑर्थो पोजीशन है ये इस CH3 के लिए और इस CH3 दोनों के लिए कॉमन है, तो यहाँ पर तो Br सबसे पहले जाना चाहिए, लेकिन वो नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। हमेशा ध्यान रखिए, दो ऑलरेडी एग्जिस्ट फंक्शनल ग्रुप के बीच में इलेक्ट्रोफाइल आकर के कभी नहीं आता है, वो झगड़े की जड़ कभी नहीं बनेगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ जगह कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए यहाँ नहीं आएगा। ए में, ऑप्शन ए में ये प्रोडक्ट है, ये ए ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। बी में भी ये है, ये ऑप्शन सही नहीं है। अब बात करते हैं डी की, डी में इन्होंने Br को मेटा पोजिशन पे दे दिया, क्यों दे दिया भाई मेटा पोजिशन पे, ऐसे नहीं चलेगा क्योंकि CH3 हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, ये मेटा पोजिशन पे Br है, ये नहीं है, इसका मतलब ए बी और डी नहीं है, सी है। क्यों है वो भी देख लेते हैं, क्योंकि ये पोजिशन ऑर्थो है, इस एक नंबर CH3 के लिए ऑर्थो है और दो नंबर CH3 के लिए पैरा है, इसलिए दोनों के लिए फेवरेबल पोजीशन है, यहाँ Br आ सकता है। इसको देख लेते हैं, इस Br को, ये Br भी नंबर 2 के लिए ऑर्थो है और नंबर 1 के लिए पैरा है, इसका मतलब यहाँ भी Br आ सकता है, ये प्रोडक्ट बनेंगे, ऑप्शन सी सही है ना। ऐसे क्वेश्चन RPSC में अब आज तक तो आए नहीं है, लेकिन अब आएंगे और आने वाले हैं, और आपको इस तरह का क्वेश्चन एक पड़ सकता है, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया। कल मैंने आपको एक बात बताई थी कि RPSC में क्वेश्चन उसी टॉपिक पे आता है जो टॉपिक सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है, इधर उधर नहीं देते हैं बेचारे, सीधे हो गए हैं। बता दो भाई फटाफट, बता दो फटाफट, इंक्रीजिंग ऑर्डर देना है, दे सकते हो मेरे ख्याल से, तो कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन, इंक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे, इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये हो गया सब, जिसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है वो सबके लास्ट में रहेगा, तो रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा तो थर्ड, हाँ थर्ड की सबसे ज्यादा है और फोर्थ की सबसे कम है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रिएक्टिवेटर है, ऑप्शन ए इसका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यदि किसी को मुझे और एक्सप्लेन करना है तो कृपया मुझे टोकिए ताकि मैं और कोई खुल के बोल सकूं, वरना तो आगे तो मुझे जाना ही है। ये कुछ खास नहीं है, आप इसको कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने पूछा है कौन से वो होंगे रिएजेंट, कौन से चाहिए, आप इसको कर सकते हैं। फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, टोलुइन कैसे बनेगा, टोलुइन तो भाई इसी से बनेगा, ऐसे ही बनेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये RPSC चालू हो गई भाई, RPSC वाले आ गए हैं हमारे साथ में, और निर्जलीय AlCl3 की उपस्थिति बेंजीन की, ये बता दो भाई, ये स्कूल लेक्चर 2011 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, फर्स्ट ग्रेड 2011, बता दो
ठीक ठाक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, बता दो। एसिटोफिनोन बनेगा, जरूर बनेगा, कैसे बनेगा मैं बता देता हूं आपको। यस सर, एसिटोफिनोन ऑप्शन नहीं है। एसिटोफिनोन बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग से आपको एसिटाइल क्लोराइड से रिएक्शन करानी है क्या? अभी करा देते हैं। CH3 लिया हमने, COOCl, और ये आपका हो गया एनहाइड्रस AlCl3। ओके हो गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इलेक्ट्रोफाइल कौन बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है, कौन से कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बोनिल कार्बन से जुड़ेगा, ये भी ध्यान रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार गड़बड़ हो जाती है, ठीक है। इस कार्बन से जुड़ेगा जिसको मैंने डार्क कर दिया, इसको सीधा जोड़ दो, और स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी आपकी, देखना जरा मैं कहां ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान रखना भाई गलती ना हो, ये लो और ये लो, ये तो एसिटोफिनोन है भाई, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ये एसिटोफिनोन है। क्यों, एक भी एक और बात बता देता हूं, ये आप जानते हैं ना, इसको जाना पहचाना नाम है, एसीटोन है, राइट? एसीटोन है कि नहीं है बताना जरा। एक तरफ आप बेंजीन रंग देंगे, हाँ, एक तरफ आप बेंजीन रिंग, एक तरफ आप बेंजीन रिंग लगा देंगे तो ये एसिटोफिनोन बन जाएगा, और दोनों तरफ आप बेंजीन रिंग लगा देंगे तो ये बेंजोफिनोन बन जाएगा। एसीटोन, एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रोफाइल जिसको मैंने अभी गोला किया है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोनिल कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, ये भी बात देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इलेक्ट्रोफाइल में जो पॉजिटिव चार्ज आता है वो कार्बोनिल कार्बन पे आता है, इसका मतलब बेंजीन रिंग से ये कार्बन जाके अटैच होगा, ये वाला ग्रुप यहाँ पर एक्स वाई जेड कुछ भी लगा हो वो आपको ऐसे कैसे रखना है, आपको चेंज नहीं करना है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही है, एसिटोफिनोन अच्छी खासी रिएक्शन, ये भी आरपीएससी का क्वेश्चन है, अब आप समझ गए होंगे जिस तरह के क्वेश्चन हमने किए हैं उसके आसपास के ये क्वेश्चन है सारे के सारे। यस, आरपीएससी 2011, यस, ए ऑप्शन, फर्स्ट ग्रेड 2011। बताओ भाई ए में किसी को दिक्कत है क्या? इन्होंने पूछा एम डायरेक्टिंग, एम डायरेक्टिंग ये लो भाई, ये तो तीनों ही पैरा डायरेक्टिंग है, ये भी तीनों पैरा डायरेक्टिंग है, और इसमें ये दोनों पैरा डायरेक्टिंग है, ठीक है। तो इसमें ये और ये एल्डिहाइड, सल्फोनिक एसिड और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों ही वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हैं, तीनों ही डीएक्टिवेट करते हैं, मेटा डायरेक्टिंग है, ऑप्शन नंबर वन सही है। किसी को ऑब्जेक्शन है तो मुझे टोक देना, और चैट में हमसे किसी ने कुछ लिखा है, जयंती आचार्य का डी है। अब ये देखो किस क्वेश्चन के लिए है मुझे ये नहीं पता चल रहा, क्यों नहीं पता चल रहा, क्योंकि मैं चैट आप कब भेज रही है और कब मैं देख रहा हूं इसका पता नहीं है, हो सकता है वो पिछले क्वेश्चन का हो, ठीक है। यस, ये फिर से आपके सामने आरपीएससी का क्वेश्चन आ गया है, फॉलोइंग कंपाउंड है, ये क्या कर रहे हैं भाई? हाँ, ये ऐसे क्वेश्चन तो हमने किए हैं, मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आरपीएससी 2011, फटाफट, मोस्ट रिएक्टिव टोलुइन होगा यहाँ पर, तो बेंजो नाइट्राइल आप समझ रहे हैं ना, इसमें ये CN ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप है, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, बेंजल्डिहाइड में CHO ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बेंजीन ये न्यूट्रल सिचुएशन है, यहाँ पर CH3 ग्रुप लग गया टोलुइन में, ये आपका वीकली एक्टिवेटर है, तो रिएक्टिविटी तो ज्यादा नंबर दो में ही होगी क्योंकि वो एक्टिवेटिंग ग्रुप है CH3, इसमें किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है, ये आरपीएससी में आया हुआ है 2011 में। ये लो भाई, जिसकी गुंजाइश थी वही हो गया, ये आरपीएससी 2013 में आया हुआ है, फटाफट आंसर बताओ। ऑप्शन सेकंड सर, सेकंड बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराना है, बेंजोइक अम्ल का नाइट्रीकरण कराना है, बेंजोइक अम्ल में ये बेचारा COOH है, ये मेटा डायरेक्टिंग है, मेटा डायरेक्टिंग कहाँ बना, कहाँ बना, पैरा डायरेक्टिंग, ऑर्थो डायरेक्टिंग, ये दोनों रख दिए इन्होंने, जरूरत नहीं थी, ये लो ये मेटा डायरेक्टिंग है, प्रोडक्ट ये बनेगा। इजी सा क्वेश्चन था, बच्चों के लायक था, आपके लायक था नहीं, ठीक है। यस, अधोलिखित में से कौन सा ओपी निर्देशकारी है, बता दो भाई, अधोलिखित में से कौन सा है ओपी निर्देशकारी? अच्छा नहीं है, ओ माय गॉड, जो मोस्ट मिस्टेक होती है, नहीं है, हम नहीं देखते हैं, सी नहीं है, एल्डिहाइड नहीं है, ओके सी, हाँ, ये आरपीएससी के क्वेश्चन है 2013 फर्स्ट ग्रेड। आ जाओ भाई, 2000 ये शायद 2013 का है, 15 का है, इसका ध्यान नहीं मुझे, बताओ फटाफट बताओ, नेफ्थलीन और बेंजीन में पाई इलेक्ट्रॉनों का अनुपात बता सकते हो? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। वन, हाँ कौन सा, वन ही होगा भाई, इसमें 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें बेचारे में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनको काटा पिटी कर दो और 5:3 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन नंबर ए है, है ना, ये भी बच्चों का सवाल था, आपके लायक नहीं था। यस, ये आरपीएससी के 2015 के आए हुए हैं, 15 के हैं या 13 के हैं, शायद 13 के हैं, हाँ नहीं 15 के हैं, यस 15 के हैं, ये मुझे याद आ गया, आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2015। बता दो फटाफट, नाइट्रोनियम ऑप्शन बी,
ऑप्शन बी, ये वही क्वेश्चन है जो नीट में आ चुका है, दो बार वापस आपके सामने आया है आरपीएससी में। इसकी लैंग्वेज पढ़ लेना, नाइट्रिक अम्ल निम्नलिखित लिखा हुआ है, अभी मैं आपको डिफरेंस क्रिएट करूंगा, निम्नलिखित, ठीक है। तो नाइट्रिक एसिड किसका काम करता है, बेस का काम करता है। अभी हमने देखा ना H2SO4 HNO3 रिएक्शन करते हैं तो HNO3 को बेचारे को प्रोटॉन लेना पड़ता है मजबूरी में, क्योंकि H2SO4 उससे स्ट्रॉन्गर एसिड है, तो वो एसिड का काम करता है। ये बता दो भाई, ये बड़ा अच्छा है, ये इन्होंने जो आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, एरिनियम कैटायन है, उससे ये सवाल किया है, जरा बता option. दो। यस, आपने फिर वही गलती कर दी जो आप जो कल हुई थी। एरिनियम आयन नॉन एरोमेटिक है क्योंकि उसमें एक आपका जो कार्बन है वो sp3 है। ऑप्शन सी होगा सर। हाँ, ये एक कार्बन sp3 है, इसको समझ लो जरा, ये नॉन एरोमेटिक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसमें दो चीजें पूछता है, ये एरोमेटिक है कि नहीं है। इन्होंने ये तो नहीं पूछा, ये पूछ लिया इसमें क्या सही है, तो एक कार्बन sp3 संकरित है, ये एकदम सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। ऐसे क्वेश्चन धोखा दे देते हैं, जरा गौर से पढ़ा कीजिए। लास्ट टाइम होता है एग्जाम का तो sp2 और sp3 हमें एक जैसा दिखते हैं लास्ट में, जब बचता है 10 मिनट बचे हैं तो फिर sp2 और sp3 में कोई अंतर नहीं लगता। यस, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। एरिनियम कैटायन में एक sp3 होता है, नॉन एरोमेटिक होता है। ये लो भाई, अभी मैंने आपको बताया था ना, आपको मैंने बताया था ना निम्नलिखित, वहां निम्नलिखित था ना, वही वापस आ गए। हाँ, किसकी भांति भाई, सत्यप्रकाश आपने कहा था रिपीट नहीं होते हैं, एक तो हमें मिल गया देखो रिपीटेड, ठीक है। ये 2018 में आया है, स्कूल लेक्चर 2018 में। सर इतने रिपीट नहीं होते, इतने नहीं, मैं कह रहा हूँ रिपीट यदि कोई होता है ना तो वो गलती से होता है ना, आप ये मान के चलो होते ही नहीं है, आपका ऑब्जर्वेशन एकदम सही है, रिपीट होते नहीं। अच्छा, रिपीट होने भी नहीं चाहिए, उसका कारण बताऊंगा मैं आपको। रिपीट जब हो जाते हैं ना तो जो रटने वाले हैं उनका बेड़ा पार लग जाता है, समझने वालों का बेड़ा पार नहीं लग पाता, इसलिए क्वेश्चन हमेशा कॉन्सेप्ट बेस्ड होना चाहिए। ऑप्शन सी भी हमें मिल गया, ऑप्शन ए भी मिल गया, तो लेकिन ऑप्शन देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल बी इजीली अटैक्ड, इजीली अटैक्ड भाई, इजीली इलेक्ट्रोफाइल इजीली किस पे अटैक करेगा, कौन उसको इनवाइट करेगा, जो ज्यादा एक्टिवेटर है, OH, ठीक है, OH स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटर है, बेंजीन रिंग को आराम से दोनों इलेक्ट्रॉन दे देगा, बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन रिच हो जाएगी, इलेक्ट्रोफाइल को इन्वाइट करेगी कि आओ और बॉन्ड बनाओ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है क्योंकि OH मुझसे जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया, ऐसे क्वेश्चन देखो आप, अब ऐसे क्वेश्चन हमने नीट वाले किए हैं कि नहीं किए बताओ, सेम टाइप के क्वेश्चन है, देखो इनमें कुछ अंतर ही नहीं, आपको लगेगा ही नहीं कि हमने नीट के क्वेश्चन से हम इधर स्विच हुए हैं, आरपीएससी की तरफ स्विच हुए हैं। बता दो फटाफट, बता दो, ये ए ऑप्शन ही है, सेम टाइप के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कोई बात नहीं, हमारा खजाना खाली हो गया है क्वेश्चंस का, लेकिन मैं आपको अभी छोड़ने वाला नहीं हूं क्योंकि मेरे पास एक वो बचा है, क्या उसको बोलते हैं ना जिसको लास्ट में यूज लेते हैं, ब्रह्मास्त्र। यस, आई हैव दैट वन ब्रह्मास्त्र, एंड वेयर इज दैट वन ब्रह्मास्त्र, कहाँ गया, आएगा, आ गया। यस, प्रोडक्ट बताओ, एक में प्रोडक्ट बताओ फटाफट, प्रोडक्ट बताओ जल्दी से, नाइट्रेशन कराना है ज़ाइलीन का, प्रोडक्ट बताओ। CH3 के ऑर्थो पोजीशन पर जो आपने भी पहले बताया था क्वेश्चन, यस दोनों के ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन आरपीएससी में आएंगे, कंफर्म मान के चलिए। ये इसका प्रोडक्ट कौन सा हो गया, ये CH3 यहाँ है, एक तो NO2 यहाँ लग जाएगा और जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसमें NO2 कहाँ लग जाएगा, ये आपको समझ में आ रहा होगा, ये CH3 यहाँ पर और ये यहाँ पर, ये इसमें प्रोडक्ट है। क्यों है भाई, यहाँ क्यों नहीं आएगा, देखो यहाँ क्यों नहीं आएगा, ये देख लो जरा यहाँ क्या लिखा हुआ है, ऑर्थो टू बोथ, ये पोजिशन हाँ दोनों के लिए ऑर्थो है ना, लेकिन हिंडर्ड है ये पोजिशन, यहाँ जगह नहीं है, जगह नहीं है, इसलिए जो NO2 है वो यहाँ आना पसंद नहीं करेगा, वो वहां आएगा ना जहां उसको मतलब फ्री फील होता है। ईच इज ऑर्थो टू CH3, ये देखो ये दोनों के लिए ऑर्थो है और आपस में पैरा भी है, ये पोजीशन जहां मैंने 1 लिखी है ये एक CH3 CH3 के लिए ऑर्थो है, 2 CH3 के लिए क्या है, पैरा है। इसी तरह से ये जहां मैंने 2 लिखा है, अब ये कंफ्यूजन हो गया इसलिए इसको X लिख देते हैं, जहां X लिखा है वो 1 के लिए पैरा है और 2 के लिए ऑर्थो है, ठीक है, इसलिए इन पोजीशंस पे ही NO2 आना पसंद करेगा, प्रोडक्ट ये दोनों बनेंगे। आपको प्रोडक्ट अब बताना है ये, यस, केस नंबर 2 सर,
केस नंबर टू बताना फटाफट। CH3 की ऑर्थो पोजीशन पे NO2। CH3 की ऑर्थो पोजीशन पे NO2। हाँ, चाहे कौन सी ले लो भले। क्यों भाई, इसका क्या रीजन हुआ, फटाफट बताओ। NO2 मेटा डायरेक्ट है और CH3 ऑर्थो और पैरा डायरेक्ट। यस, बात आपने एकदम सही पकड़ी है। ये तो दोनों एक ही चीज कर रहे हैं, है ना। ये देखो, ये जो पोजीशंस हैं जहां मैंने किया है गोला, वो क्या है, CH3 के लिए तो ऑर्थो है और NO2 के लिए मेटा है, और NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, ठीक है, और CH3 ऑर्थो डायरेक्टिंग है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो अब पैरा पे तो प्रोडक्ट वैसे नहीं बनेगा क्योंकि पैरा पे तो NO2 बैठा है, तो CH3 को ऑर्थो पे डायरेक्ट करना है, NO2 को मेटा पे डायरेक्ट करना है, वो पोजीशन एक ही है, इसलिए यहां पर एक ही प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर दो प्रोडक्ट बनने का कोई चांस ही नहीं है। बात आपको समझ में आ गई, मतलब जहां उसको जाना है NO2 को, वो दोनों के लिए, दोनों उसको सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि दोनों वैसे तो दुश्मन है। देखो कैसे, CH3 एक्टिवेटर है, NO2 क्या है, डीएक्टिवेटर है, लेकिन यहाँ पर दोनों इस तरह से काम कर रहे हैं कि दोनों का टारगेट एक ही हो गया। जो मैंने गोला किया हुआ है पोजीशन, वो दोनों का टारगेट है, ठीक है, दोनों वहीं भेजना चाहते हैं, इसलिए NO2 आराम से वेलकम होकर के वहां जाएगा, प्रोडक्ट आपका बनेगा, ये इसमें कोई डाउट नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। अब बता दो प्रोडक्ट, फिर इस बात पे बता दो। केस नंबर 3 बता दो। वो OCS3 जो जुड़ा हुआ है उसके ऑर्थो पोजीशन पे, इन दोनों के बीच में नहीं, ये एक्टिवेटेड जहां पे आपने लिखा ना वहां पे, ठीक है, मैं कर देता हूं। ये तो आंसर सर सारे एक्सप्लेन ही किए हुए हैं इसमें। हाँ, ये बात भी एकदम सही है कि ये एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है, ये यहाँ पर आंसर है, ओके, ये बात आपकी एकदम सही है, लेकिन यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बनेगा वो बताइए फटाफट। सेकंड पोजीशन पे सर। सेकंड पोजीशन लिखता हूं मैं OCH3, ठीक है। अब यहाँ पर तो वो जाएगा नहीं, है ना, तो एक तो OCH3 तो भेजेगा उसको यहाँ भेजेगा ना। हाँ, यही ये सल्फोनेशन हो रहा है ना, तो ये SO3H लगा देते हैं, ठीक है। और आपका अब यहाँ इसलिए आएगा, ये वाला मेजर प्रोडक्ट बनेगा, क्यों बनेगा, क्योंकि ये पोजीशन जहाँ गया है वो कम हो गया है। नहीं, इसके लिए तो ऑर्थो है, OCH3 के लिए तो ऑर्थो हो गई ना ये, और NO2 के लिए मेटा हो गई, बात आपको समझ में आई। तो यहाँ पर दोनों यही भेजना चाहते हैं, इसलिए ये मेजर बनेगा। इसका साथी कौन बनेगा, और इसका साथी बनेगा वो प्रोडक्ट जिसमें OCH3 उसको पैरा पे भेज रहा है, है ना, वो बनेगा, लेकिन कम अमाउंट में बनेगा। ये देखो, ये OCH3H और ये NO2, और आपका यहाँ पर आ गया OCH3H, SO3H, ये हो गया, ठीक है। अब ये थोड़ा कम बनेगा, ये माइनर बनेगा, माइनर इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पर ये जो पोजीशन है ना, ये केवल OCH3 ही डायरेक्ट कर रहा है, कहाँ पर, इस पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, OCH3 के अकॉर्डिंग ही तो बन रहे हैं। हाँ, बिल्कुल आपकी बात एकदम सही है, एकदम सही है, यही रूल है, यही रूल है, ठीक है। और अब मैं जो एक और लिखने जा रहा हूँ ना, उसके बाद में मैं आपको रूल समझा दूंगा और आज की क्लास हम खत्म कर देंगे। इसको स्क्रीन पे ही रखते हैं ताकि आप कंपेयर कर पाए, है ना। और अब जो आजाद कह रहे थे वो प्रॉब्लम भी हट गई, ये कह रहे थे ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, किसी को उत्तर मतलब उसकी जरूरत नहीं है, उत्तर बताने की जरूरत नहीं, उत्तर तो लिखा हुआ ही है, ठीक है। तो ये हमने लिखा है एक कंपाउंड, और इसका आप करा दो, कुछ भी करा दो, ब्रोमिनेशन करा दो। चलो आप भी क्या याद रखोगे, ये लो ब्रोमिनेशन करा दो। Br2OH की ऑर्थो पोजीशन में जुड़ेगा। Br2OH की रीजन बताना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं चलेगा, अब आपको रीजन बताना पड़ेगा, क्योंकि OH है वो ज्यादा रिंग एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। हाँ, तो नेगेटिव चार्ज वहां पे ज्यादा आएगा। Yes, अब यहाँ पर OH और CH3 आपस में झगड़ा करेंगे, क्योंकि CH3 कहेगा ये मेरी ऑर्थो पोजीशन है, यहाँ आने दो, OH कहेगा नहीं ये मेरी ऑर्थो पोजीशन पे है। 1-1 तो किसकी, OH की है, 2-2 है वो CH3 की है, लेकिन यहाँ पर विनर कौन होगा, जिसमें ज्यादा दम होगा, ज्यादा दम किसमें है, OH में है, वो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसलिए OH डायरेक्ट करेगा BR को अपनी ऑर्थो पोजीशन पे आने के लिए। प्रोडक्ट इसमें एक ही बनेगा, और ये इसमें प्रोडक्ट बनेगा। अब आपने सीखा क्या है, मैं वो बता देता हूँ आपको, आपने इन चारों एग्जाम्पल में क्या सीखा है, है ना। और इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल आएंगे, है ना, आप नो डाउट रहिए। यहाँ आपने ये सीखा है कि एक तो बीच में नहीं जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है, प्लस में यदि
हाँ यहाँ तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, यहाँ जहाँ दो प्रोडक्ट बन रहे हैं वहां दिक्कत नहीं है, वो इजीली एक्सप्लेन्ड है। इससे जरा ध्यान रखिएगा, ये भी इजी है, ये इसलिए इजी है क्योंकि दोनों जो CH3 और NO2 है वो आपस में उनका जो इफेक्ट है ना वो ऑपोजिट है, ऑपोजिट है लेकिन एक साथ हो रहा है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर भी एक ही प्रोडक्ट बनता है। लेकिन यहाँ पर इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, CH3 है, इसको दूसरे मेजर प्रोडक्ट देते हैं सर इनमें। हाँ मेजर प्रोडक्ट देते हैं, लेकिन अभी हमने देखा ना एक क्वेश्चन में दो आंसर दिए हुए थे, दो प्रोडक्ट दिए हुए थे, वैसा भी हो सकता है। ठीक है आपकी बात एकदम सही है, जनरली मेजर प्रोडक्ट लिखते हैं। ठीक है यहाँ जो ये क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन जो थर्ड नंबर केस था, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल करके सामने आया कि सब कुछ OCH3 के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था हमें। ठीक है नाम बताएंगे आप प्लीज अपना, मैं देख नहीं पाया कौन बोल रहे थे। हाँ जयश्री आपने बहुत अच्छा बताया है कि सब कुछ OCH3 के अकॉर्डिंग ही हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब मेरी बात को समझ लो जरा, एक जो डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन ऑलरेडी है ना, उसमें जो तीसरा इलेक्ट्रोफाइल आता है वो हमेशा जो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं उनके हिसाब से ही आता है। आप यहाँ पर कंपेरिजन कराएंगे OCH3 और NO2, इन दोनों में कंपेरिजन कराएंगे तो ये एक्टिवेटर है OCH3 और ये डीएक्टिवेटर है, तो डीएक्टिवेटर के हिसाब से गाड़ी नहीं चलेगी, इन दोनों में हमेशा एक्टिवेटर के हिसाब से ही गाड़ी चलेगी, ये थंब रूल है। ठीक है यानी कि फैसला तीसरे इलेक्ट्रोफाइल ग्रुप कहाँ जाएगा ये एक्टिवेटर ग्रुप करता है, डीएक्टिवेटर ग्रुप नहीं करता है। और इसका एक ऑर्डर भी है, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो ऑर्डर कौन सा है जरा देखिएगा, पहचानिएगा। यस हमारे पास वो ऑर्डर है, वी हैव एवरीथिंग ऑन द स्क्रीन। ये ऑर्डर ये है आपका, ये ऑर्डर ये है, इसमें यहाँ पर आपको हेलोजन रखने हैं, हेलोजन ये मैं आपको ऑर्डर PDF में तो दूंगा ही दूंगा। ठीक है तो ये यदि देखो, यदि डायरेक्टिंग इफेक्ट ऑफ टू ग्रुप अपोज ईच अदर, एक दूसरे को अपोज करते हैं, ठीक है तो स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग ग्रुप विंस। ये देख लो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग जो होगा वो विन, वो उसका राज चलेगा, वो जीतेगा ओवर द डीएक्टिवेटिंग और वीकली एक्टिवेटिंग। ठीक है तो ये सारे स्ट्रॉन्गली एक्टिवेटिंग है, यदि ये है तो फैसला ये करेंगे, ये वीकली एक्टिवेटिंग है, ये है तो फैसला ये करेंगे, है ना, ये भी वीकली एक्टिवेटिंग है, अच्छा ये मॉडरेटली एक्टिवेटिंग है भाई, OCH3 और ये NH का जो है डेरिवेटिव वो ये वीकली एक्टिवेटिंग है, ये फैसला करेंगे यदि ये है तो। उसके बाद में हेलोजन है वो वीकली डीएक्टिवेटिंग है, उसके बाद में मेटा डायरेक्टर सारे आ गए, मतलब मेटा डायरेक्टर की बिल्कुल नहीं चलेगी, यदि एक भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है तो फैसला वो ही करेगा, सुन लो समझ लो लिख लो, एक भी यदि ऑर्थो डायरेक्टिंग है तो फैसला ऑर्थो डायरेक्टिंग के हिसाब से होगा, मेटा डायरेक्टर की यहां नहीं चलने वाली है। बात आपको समझ में आई? और ये जो पॉइंट है कौन सा, तीन नंबर पॉइंट, ये यही कह रहा है कि मेटा डायरेक्टर जो NO2 है उसकी नहीं चलेगी, चलेगी तो OCH3 की चलेगी क्योंकि वो ऑर्थो डायरेक्टिंग है और वो एक्टिवेटिंग है। ठीक है तो टाइम मेरे ख्याल से काफी ज्यादा हो गया, लेकिन जयश्री आपने अपना उस नंबर पे व्हाट्सएप नहीं किया मुझे जिस नंबर पे होना चाहिए था, मानवेंद्र आपने भी नहीं किया है ना, तो इसलिए मैं आपको ट्रैक नहीं कर पा रहा हूँ कि आप है कौन, और बाकी सबका मेरे पास नंबर है। यस तो आप मुझे उस पे एक मैसेज कर देना, मैसेज छोड़ देना है ना, अपना नाम और आपका जो जगह है ताकि हमें पता चले कि आप दुनिया के किस कोने, हाँ दुनिया के किस कोने से आप बोल रहे हैं। ओके अब यस फाइनल वर्ड्स एक तो मुझे ये बताओ कि आज आपको सीखने को मिला या नहीं मिला, आज और कल? यस सर हमेशा ही कुछ नया सीखने को मिलता है, कोई ना कोई ओपिनियन आपको यहाँ पर देना पड़ेगा क्योंकि कल हमने क्लास बहुत जल्दबाजी में ली थी क्योंकि एक साथ ज्यादा पोर्शन मैंने इसलिए छेड़ दिया कि मुझे लगा कि ये सिर्फ रिवीजन होना चाहिए इसका, इसको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है और आपको भी बहुत ज्यादा इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, लिखा हुआ आपके पास बहुत है, किताबों में बहुत है, नोट्स भी होंगे। ठीक है समझने की जरूरत थी, समझने से क्या है आपके जो कॉन्सेप्ट है उसको एज मिलता है, एज आप समझ रहे हो ना, एज मिलता है उसको और उसी से आप लोग आगे चल पाते हो। ठीक है और इतने सारे जो हमने क्वेश्चन किए हैं नीट के, वो क्वेश्चन लिए हैं वो बहुत करीब है RPSC के लेवल के, और अब मैं आपको चेतावनी दे दूं RPSC वाले ट्रैक पर आ गए हैं, क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे अच्छे बनाने लग गए हैं, इसलिए आपको अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी, अदरवाइज तो क्या बोलते हैं सिलेक्शन के लिए अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है जैसे RPSC ने देखो ये कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन डिजाइन किया है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन डिजाइन किया है ना, हालांकि हमारे आज के टॉपिक से रिलेटेड नहीं है लेकिन आप इसका उत्तर बताइए और क्लास छोड़ सकते हैं बिल्कुल, प्लीज प्लीज आप क्लास छोड़ सकते हैं और मतलब इसका उत्तर बता सकते हैं, लेकिन जस्ट एक्सेप्ट द चैलेंज
आंसर बताइए और क्लास छोड़िए. यस ये थर्ड होना चाहिए. थर्ड होना चाहिए. थर्ड होना चाहिए. थर्ड होना चाहिए. थर्ड तो नहीं होना चाहिए. थर्ड इसका आंसर नहीं है. सर वन 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 भी इसका आंसर नहीं है. वन भी इसका आंसर नहीं है. तो अब बाकी लोगों के लिए बहुत इजी हो गया. वो कम से कम वन को और थर्ड को ट्राई नहीं करेंगे. अब आप जो बताएंगे वो आंसर हो सकता है क्योंकि अब 50-50 हो गया ना. केबीसी हाँ केबीसी वाला 50-50 हो गया है. यस ऑप्शन डी क्या बोलते हैं वो आएगा इसमें और ऑप्शन डी आएगा. अब जिन्होंने बताया है उनको वो बताना पड़ेगा जिसके लिए हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं. हम कोई भी क्वेश्चन आंसर के लिए नहीं पढ़ते हैं. हम पढ़ते हैं उसके कॉन्सेप्ट के लिए कि इससे इस क्वेश्चन से हमें सीखना क्या है. यस यस सर वो एल्केन की एसिडिटी ज्यादा होती है ये बेसिक सेटिंग पूछ रहा है. हाँ बात तो सही है. स्वाति स्वाति बताओ भाई आपने डी आंसर दिया इसका. स्वाति प्लीज. स्वाति देखिए आपको बोलना तभी नहीं है जब आप बोल नहीं सकते हैं. मान लेते कोई बोल ही नहीं सकता और मैं उसको बार बार पूछ रहा हूं तो आप चुप रहिए. लेकिन यदि आप बोल सकते हैं तो बोलिए. बात को समझ रहे हैं. यदि आप बोल ही नहीं सकते हैं तो वेल एंड गुड. यदि आप बोलते हैं घर में तो यहाँ आपको बोलना पड़ेगा. बिना बोले चलेगा नहीं. यस लाइव C2H5 नेगेटिव के अंदर कार्बन की EN कम है सबसे तो नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा इस पे. अरे भाई इतना ज्यादा आप डीप में क्यों चले गए. इतना डीप में तो जाना ही नहीं था है ना. इतना डीप में जाना नहीं था. मैं अब इसका आंसर बताता हूँ. स्क्रीन पे ही रखता हूँ क्वेश्चन को. यस ये आरपीएससी का क्वेश्चन है 2018 का. ठीक है इसीलिए कह रहा हूँ कि अब आरपीएससी वाले सुधर गए हैं. यस ओके तो क्या बोलते हैं इसका आंसर डी क्यों है. इसमें कॉन्सेप्ट क्या है वो समझ लो. हमेशा ध्यान रखना जो एसिड जितना स्ट्रॉन्ग होता है उसका बेस उतना ही वीक होता है. समझ में आया. यस सर. ब्रोंस्टेड ब्रोंस्टेड लोरी कॉन्सेप्ट समझ में आया. स्ट्रोंगर एसिड का बेस वीक होता है. स्ट्रोंगर बेस का एसिड वीक होता है. अब आप इन सबके एसिड बना लीजिए. इन सबके एसिड क्या है मैं बना देता हूं आपको. यस इन सबके एसिड क्या है C2H6 तो हो गया वो और C2CH2 ये हो गया सेकेंड वाला. CH हो गया ये थर्ड वाला और लास्ट वाला हो गया H2O. ये एसिडिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है. मेरी बात सही है कि नहीं है जल्दी से प्रूव कीजिए. प्रूव यानी कि सपोर्ट कीजिए. यस सर ये एसिडिक बिहेवियर का इंक्रीजिंग ऑर्डर है. हमेशा ध्यान रखिए जो स्ट्रोंगर एसिड होता है उसका बेस वीक होता है. क्योंकि दोनों हाथों में लड्डू नहीं हो सकते ना. कोई स्ट्रोंगर एसिड होगा तो उसका बेस तो वीक होगा ही होगा क्योंकि वो तभी तो एसिड स्ट्रोंग है. बात को समझो जरा. ठीक है ना. तो उसका बेस क्या होगा वीक होगा. देखो कैसे होगा वीक मैं बता देता हूं आपको. बेस की प्रॉपर्टी है एक्सेप्ट करना प्रोटॉन एक्सेप्ट करना. ठीक है एसिड की प्रॉपर्टी है प्रोटॉन लूज करना. यदि H2O की प्रोटॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो OH- की प्रोटॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं हो सकती क्योंकि इसकी OH- की टेंडेंसी OH+ एक्सेप्ट करने की होती तो H2O की डोनेट करने की नहीं होती. बात को समझो. इसलिए कोई स्ट्रोंगर एसिड है उसका बेस हमेशा वीक होता है. यहाँ पर इन्होंने पूछा है बेस का क्रम सारक प्रकृति का क्रम पूछा है तो जो वीकर एसिड है उसका बेस स्ट्रोंगर है. वीकर एसिड का बेस स्ट्रोंगर है. ये मैंने एसिडिक बिहेवियर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा है. आप इसका उल्टा बना लीजिए वो आपका बेस का वो ऑर्डर हो जाएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर. एल्केन इथेन यहाँ पर सबसे क्या बोलते हैं वीकर एसिड है तो एल्केन एक प्रोटॉन डोनेट करने के बाद में जो बनेगा C2H5- ये इसका बेस है. ये सबसे स्ट्रोंगर बेस है. स्ट्रोंगर बेस का मतलब ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है. ये बस एक इसको एक प्रोटॉन चाहिए कहीं ना कहीं से. ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके C2H6 में कन्वर्ट होना चाहता है इसलिए ये स्ट्रोंगर बेस है. बात समझ में आई कि नहीं आई बता दो जरा. यस सर. आपको समझ में आ गई बाकियों को नहीं आई. यस सर. अच्छा yes. आपको भी आ गई. ओके ओके यस. जयश्री समझ में आया. यस सर. और वो समझ में आया मुझे उस नंबर पे व्हाट्सएप करना है. हाँ सर. ओके यस. कहाँ से बोल रही हो जयश्री. सूट सर.
अच्छा यही से हो क्या? सारे आसपास हाँ, वाले ही हैं, बताओ सारे आसपास वाले हाँ, हो फिर के भी ऑनलाइन मिल रहे हो, है ना? मैं राजसमंद हूँ सर। अच्छा तुम राजसमंद हो क्या? हाँ। कोई बात नहीं, तो अच्छी बात है, कहीं भी रहो प्रिपरेशन अच्छी करो, है ना? और तो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, जाहिर सी बात है वीडियो भी इसका रिकॉर्डेड है, ये काफी अच्छा होने वाला है, और ये जाहिर सी बात है काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूँ, राइट? ठीक है, ओके सर। पीडीएफ मैं आपको भेज रहा हूँ, जैसी है वैसी भेजूंगा, और वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, आप इसको देख सकते हैं, चैनलाइज कर सकते हैं, भेज सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। पीडीएफ नहीं आई थी। हाँ बात तो सही है, एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। रिकॉर्डिंग का ऑप्शन कहाँ सर, कल लगेगी क्लास? हाँ ये देखो, ये सबसे बड़ा सवाल है, एक मिनट में रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ। हाँ